Hello, everyone. everyone. Welcome back to the channel. Genetics, welcome to your हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश लाइव स्टडी तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी अरे तेरी हम हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत आज की पढ़ाई से जानी जाएगी तेरी किस्मत आज की पढ़ाई से जानी जाएगी ओके तो इसी के साथ फिर से मैं आ गया हूं आपके लिए लेकर एक और महा रिविजन यस yes, दोस्तों महारिविजन ऑफ द इंग्लिश विथ मोस्ट ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ तो महाराष्ट्र में दूसरा वीडियो है दूसरा लाइव सेशन है जिसके अंदर इंग्लिश कल जो पेपर है भाई एच 2022 एग्जाम 4 मार्च को होने वाली एग्जाम भाई कल इंग्लिश है कल से तुमने बहुत पढ़ाई की है अरे बहुत लड़ाई की है बहुत पढ़ाई की है मैं जान रहा हूं बहुत तुमने पूरे दो तीन महीने में जो नहीं किया था कल से आज तक दो दिन में तुमने कर दिया यही तो जज्बा जंग को जीतने का सर ये तो एग्जाम है कोई जंग थोड़ी ना है अरे बेटे एग्जाम भी कहीं जंग से कम है जिस चीज को पोस्टोन करने के लिए कि, कितने दिनों से तुम लड़ रहे थे ट्विटर पर यहां वहां आज उसको फेस करने जा रहे हो कल का वो दिन होगा मैं सच बोलता हूँ तू एग्जाम में जाएगा और थोड़ा सा घबराएगा लेकिन जैसे ही दो बजे एग्जाम हॉल से बाहर निकलेगा तो इतना खुश होके निकलेगा तुझे लगेगा मैं क्या करूं कहाँ जाऊं हवा में उड़ू या क्या करूं और देखते देखते तेरी जो सत्रह मार्च अठारह मार्च आ जाएगी और एग्जाम फिनिश भी हो जाएगी और तू बोलेगा और सोलह एग्जाम शुरू होते तो ही खत्म हो गया एकदम खुश हो जाएगा हाँ एक हिंदी मराठी का पेपर एक पेपर अप्रैल में ठीक है वो तो बाद में देख लेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं तो बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ तूने पूरी पढ़ाई किया बेटा ओके बहुत सारे जो YouTube चैनल हमारे मुकेश सर के आशीष सर के ब्लॉग से और भी कुछ चैनल से अपने टीचर्स के जरिए कोचिंग क्लासेस के जरिए सब पढ़ा बस अपने आप पे भरोसा रख कि हा मैंने किया है हाँ मैंने किया है बस इस बात पे भरोसा रख और आगे बढ़ सिर्फ चीजों को रिवाइज कर देख अब क्या क्या आ रहा है जैसे कि आज हम करने वाले हैं राइटिंग स्किल एंड नोवल जो है बत्तीस मार्क का बच्चों को इसी से डर लगता है कि सर राइटिंग स्किल यहाँ पे दिमाग चलाना पड़ रहा है सर और वही तो हम चलाते नहीं है हाँ तो चलेंगे हम यहाँ पर कुछ आइडिया देने वाला हूं कि कैसे आप कम तरीके से कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं तो राइटिंग स्किल के सोलह मार्क्स एंड नोवेल्स के 16 मार्क्स मिलके 32 मार्क्स कैसे हम 32 में से ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं ये आज के लेक्चर का फंडा होगा ये लेक्चर बहुत ही चार पांच घंटे का नहीं होने वाला है एकदम कम टाइम में मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है एकदम कम टाइम के अंदर हां भाई हाँ एकदम कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम देखेंगे और कल की एग्जाम में कैसे क्या हम करें कि ज्यादा मार्क्स आए वो बताएंगे राइटिंग स्किल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और 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 करके आएंगे बच्चे कंफ्यूज होते इतना ज्यादा क्वेश्चन है भाई कौन सा लिखूं कौन सा छोड़ू तो भाई किसी किसी को लगता है भाई अपने को तो ये अच्छे से आता है भाई ये ये अपना फेवरेट है लेकिन कभी कभी वो नहीं लिखना चाहिए फेवरेट होना ही सही नहीं जिस चीज में हमें ज्यादा मार्क्स मिल सके वो हम कैसे सेलेक्ट करें वो हम देखेंगे ठीक है आ गए अभी आप सभी से एक नम्र है कि यार अपने कॉलेज के दोस्तों के ग्रुप्स में इस लेक्चर की लिंक को शेयर कर दो अरे जाने दो ना महाराष्ट्र के हर एक बच्चे के पास इस लेक्चर को होता है फायदा तो होने दो ना चलो शुरू करते हैं राइटिंग स्किल ओके शुरू करते हैं राइटिंग स्किल तेरी हिम्मत ही जो है ये मेहनत पढ़ाई में दिखेगी हिम्मत कर तू हिम्मत न हार मेरे दोस्त आज चल अच्छा, शुरू करते हैं यस राइटिंग स्किल की बात करेंगे तो राइटिंग स्किल देखो इवोल्यूशन प्लान मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ यहां पर आपके 16 मार्क्स है और एक एक करके कैसे 16 मार्क्स ग्रैप करना है वो हम देखेंगे ऑलरेडी आपने सब कुछ सीखा है पार्ट वाइज में देखा बहुत कुछ आपने देखा ब्लॉग देखा फिर आ, जो आइडियाज के एक्सपेंशन देखा फिर आपने स्पीच देखा रिपोर्ट राइटिंग देखा अरे क्या क्या नहीं देखा ईमेल इंटरव्यू तक देखा लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा नहीं आपको बोलूंगा कि ये करो करो मैं स्पेसिफिक बोलूंगा भाई यही करके आने का और कैसे करने का वो बताऊंगा तो उतना ध्यान ले मैं बहुत ज्यादा नहीं आपको आ, इंगेज करूंगा एकदम कम टाइम में जितना चाहिए उतना ही बताऊंगा एकदम फोकस कर देख बेटा क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव ये आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर सेक्शन थ्री राइटिंग स्किल नए पेज से स्टार्ट करना सेक्शन थ्री राइटिंग स्किल में कोई पैराग्राफ या कोई पोयम या ऐसा कुछ भी नहीं आएगा ओके ये सारी चीजें एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन ए बी सी डी देखो चार क्वेश्चन अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये सब तो हमको मालूम है यार कुछ नया बताओ बेटा मैं शुरू से बता रहा हूं ना तू टेंशन मत कर तो टेंशन अच्छा आते ही बैटरी लो रुक रुक बैटरी हम चेंज कर रहे हैं अरे मेरे दोस्त मेरी बैटरी डाउन नहीं होगी और तू अपनी बैटरी को डाउन मत होने देना भले तेरे मोबाइल की बैटरी जो डाउन हो जाए चार्जर लगा के रखना जाने दो आ, तीस हजार का आंकड़ा पार होने दो होने दो रिकॉर्ड यस तो भाई ये चार क्वेश्चन है अब हमें इतना ही याद रखना है कि देखो अपना फोकस यहां पर तुम्हें पता है कि जब द्रोणाचार्य ने बोला था द्रोणाचार्य ने बोला था कि चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है और बहुत से जो धनुर्धारी लोग आए थे किसी को पूछे तुम्हें क्या दिख रही है मुझे पेड़ दिख रहा आसमान दिख रहा मुझे बादल दिख रहे हैं बोले चिड़िया का मारना चिड़िया दिख ही नहीं रही है तुझे अर्जुन आए बोले तुम्हें क्या दिख रहा है गुरु जी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है मारे द्रोणाचार्य दुरन, बोले मार नहीं जाना और बराबर चिड़िया की आंख में मारा वैसे अपना एम बनाओ इतने सारे पेपर में इतना ज्यादा क्वेश्चन है अपना निशाना फिक्स रखो कि भाई इतने बड़े पेपर में मुझे क्या करना उसको अब भी से सोच कर जाओ देखो यस तो पहला जो क्वेश्चन है चार मार्क में से तीन ऑप्शन है वर्चुअल मैसेज ड्रॉप करना स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिखना ग्रुप डिस्कशन करना और यह और करके लिखा होगा आपको बोर्ड का जो पेपर है आपने मालूम है आपने चार रुपए दिए हैं साढ़े चार सौ के करीब पैसे दिए पेपर छपने के लिए पेपर ऐसा छप के आएगा ना कि एक क्वेश्चन जैसे होता है ना पैराग्राफ वो दो पेज में रहता इतने बड़े बड़े गैप रहते हैं टेक्सट बुक जैसा नहीं होता मोटी बुकलेट आती है आपको लगेगा भाई क्वेश्चन पेपर दिया है कि कोई बुक दे दी है ऐसा आपको फील होगा इंग्लिश में तो उसमें आपको एक आइडेंटिफाई करना है पता लगाना है कि तीन क्वेश्चन और करके ऐसे दिए रहेंगे और इन तीनों में से हमें सिर्फ एक ही करना है चार मार्क के लिए याद रखो तो अभी से डिसाइड करके जाओ कि एग्जाम में कल जाऊंगा इन तीनों में से मैं कौन सा करने वाला हूं और कैसे करने वाला बस चार मार्क पक्के टाइम वेस्ट नहीं करने का ज्यादा देखने का नहीं चीजों को ज्यादा देखते ना तो और दिमाग खराब होता है ओके दूसरा है ईमेल लिखना रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू ईमेल लिखना ई वही चिट्ठी संदेश आते हैं हमें तरसाते हैं तो भाई पहले चिट्ठी लिखी जाती थी डाकिया डाक लाया डाकिया लेकिन वो सब जमाना गया अब ईमेल का जमाना है पहले इंग्लिश के पेपर में लेटर राइटिंग आता था अब सब हटा दिया ईमेल राइटिंग तो ये ईमेल रिपोर्ट राइटिंग गया। रिपोर्टर न्यूज में रिपोर्ट लिखते ये या तो इंटरव्यू किसी का लेने के लिए क्वेश्चन बनाओ और करके तीन चीजें आएंगी भाई मेरे तू बने रहे। चुन चुन के धीरे धीरे एक एक चीज ऐसे बताऊंगा ऐसे बताऊंगा तू खुश हो जाएगा और इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना तेरा कि यार साल भर नहीं किया और आखिरी दिन में फायदा हो रहा है ये एकदम कल के पेपर में अपना टारगेट 80 की 80 में से कम से कम 70 प्लस लाने का ट्राई करो कोशिश करेंगे तो 70 नहीं भी आया तो 60 प्लस भी आया तो 20 ओरल के मिलके 80 प्लस तो हो जाने चाहिए यस ये टारगेट तो अब ये तीन चीज तो सर क्या तीनों करने का नहीं एक ही करना सर कौन सा करूं आप बताओ ना आकड़ बक्कड़ बंबे बहो 80 90 ऐसा भी था कुछ नहीं ओके इधर आ

फिर कोई आइडिया है उसको एक्सपांड करो इन तीनों में और रहेगा कोई एक लिखना है ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजें मैं ये सब नहीं सिखाने वाला मैं आपको अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे निशाना मारना सिखाऊंगा बस उतना करना काम खत्म भाई 16 मार्क्स की बात है डी में आते रिव्यू लिखना कल मैंने बताया था कुछ मूवीज गहराइया और गंगू कि रिव्यू कैसे लिखते हैं तो रिव्यू कैसे होता है उसको लिखना कैसे वो आज बताऊंगा ब्लौग, हेलमेट ब्लौग तो कि पहनो तो अपील करना है तो भाई क्या तीनों लिखना नहीं तीन क्वेश्चन आएंगे तेरे पेपर में तीन क्वेश्चन आएंगे तुझे एक ही करना है चलो ये गई समरी ये एबीसीडी में हर एक में तीन तीन क्वेश्चन होंगे आपको तीन में से कोई एक से लेकर

कि मैं क्या करूंगा तो ये स्टेटमेंट और पर्पज है ना यार ये बहुत बड़ा बड़ा होता है उसको अगर अवॉइड करोगे तो चलेगा पहले ही से सोच के जाओ ये नहीं करूंगा करना तो एक ही है ना तीन में से और एक ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि जैसे आप लोग चार पांच जन हैं और आपको एक टॉपिक दे दिया है कि भाई बच्चे लोग ज्यादातर जंक फूड खाते हैं चाइनीज खाते पिज्जा खाते हैं तो उसका हेल्थ पर क्या इफेक्ट करता है कुछ फायदा है नुकसान है तो चार पांच जन जो है डायलॉग्स लिखने वाले हैं। और सारा डायलॉग तुम्हें खुद चार पांच जन का लिखना है तो ये हो गया डायलॉग राइटिंग और एक ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज यार बड़ा मजेदार होता है देखो अपना एम यही है कि ये चार मार्क का है ना तो चार मार्क पूरा मिलना चाहिए अब तो बोलेगा ना कि सर मेरे को ना ग्रुप डिस्कशन में बहुत मजा आता है लेकिन क्या ग्रुप डिस्कशन करते समय तुझे चार मार्क्स पूरे मिल सकते हैं या कोई ऐसी चीज जो स्पेसिफिक और उतना ही लिख दिया तो चार मार्क मिल गया इस चीज को ध्यान में रख के हम तीनों में से कोई एक अब भी डिसाइड कर लेंगे कि ये तीन क्वेश्चन आएगा मैं कौन सा करूंगा यस मैं कौन सा करूंगा तो आप पहले पहले मैं बताता हूं तीनों चीज होती क्या फिर हम देखेंगे तीनों में से कौन सा हम करेंगे यस आ गए क्या हमारे प्यारे बच्चे बत्तीस हजार प्लस यस कल यार तुम लोग ने यह क्या कर दिया कौन है वो अरे मेरा वीडियो कट गया अभी कुछ चीजें पर्सनल होती है ना चोरी करना पाप नहीं है पकड़े जाना पाप है। बता दिया पूरे गांव वालों को इंस्टाग्राम पे वायरल कर दिया तुम लोग यार सिग्मा रूल के नाम पे थग लाइफ के नाम पे अरे इधर आ वो चीजें प्राइवेट होती है यार अपने में रखने का तो यार पूरे दुनिया को बवाल कर रहा है ऐसा नहीं करने का आज पूरा इंस्टाग्राम पे यार पूरा बवाल कर दिया सबकी व्हाट्सअप स्टोरी में मैं ही दिख रहा हूं भाई इतना प्यार कर दो थैंक यू एवरीवन लेकिन यार कुछ चीजें प्राइवेट रखा करो यार ठीक है चलो कोई बात नहीं तो महाराष्ट्र के सभी बच्चे यस महाराष्ट्र के सभी बच्चों को यस यही ये बताना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपने इतना प्यार दिया और आपका प्यार जो है वो हमें और स्ट्रॉन्ग करता है मोटिवेटेड करता है यस आपकी प्यार से ही मोटिवेशन आ रहा है बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा जी जान लगा दूंगा आज की आपको एकदम अच्छे से कंटेंट दू इतना ही नहीं आने वाली एग्जाम्स में भी आपके साथ बना रहूंगा जब तक आपकी नैया पार नहीं लगेगी मैं आपका खेवैया बन आपके पीछे आपके साथ लगा रहूंगा टेंशन मत लो अब देखो ये वर्चुअल मैसेज क्या बोलता है इसमें क्या होता है कि कोई एक जो है ना मैसेज दे रहा है यहां पर जैसे कि एक एग्जाम्पल के जरिए देखो ज्यादा पकाना नहीं हमको कि एक क्वेश्चन आया है इस तरह से अब ये क्वेश्चन यहां पर है कि शेखर है और अमृता है शेखर का नाम लिया तो कुछ नहीं अमृता ओहो ओह अच्छा पहले बताओ तुम्हारे कॉलेज में सेंड ऑफ़ हुआ कि नहीं ऑफ़ हुआ कि नहीं क्योंकि उसको साड़ी में देखना था देखा कि नहीं ठीक <laughs> है बहुत से बच्चे उधर अप करो हमारा फायर फेयरवेल करो फेयरवेल करो क्योंकि हमारी दीदी को साड़ी में देखना है यूनिफॉर्म में तो बहुत बार देखा है बहुत से बच्चों का ऐसा रहता है ठीक है चलो अभी यहाँ पर एक ऑलरेडी ये पूरा क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन है जल्दी जल्दी करेंगे शेखर और अमृता कुछ डायलॉग्स मार रहे हैं शेखर कहता है इज दिस टेलीफोन नंबर इज दिन नाइन एट सिक्स डबल नाइन डबल नाइन वन टू थ्री फोर ओके ऐसे कुछ अमृता बोलती हाँ ये फोन पे बातचीत चालू है फिर शेखर बोलता है मैं शेखर हूँ और मैं सौरजीत से बात करना चाहता हूँ मैं उसका दिल्ली वाला दोस्त गोवा वाला दोस्त हूँ यानी शेखर जो है फोन पे लगा है अमृता फोन उठाई है बोलता है कि मैं सौरजीत से बात करना चाहता हूँ अमृता बोलती है बोलो मैं उसकी बहना हूँ सौरजीत नहीं है घर पे बोलो अब फिर क्या होता है शेखर कुछ मैसेज देता है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ एक्चुअली मैं मुझे प्लेसमेंट मिला है होटल मुंबई में और मैं वहां पर आके ज्वाइन करने वाला हूँ सो से बड़ा मैसेज देता है ओके okay, अपने दोस्त की दीदी को ओके okay, तो ये बोलता है कि मेरा जो मैसेज है सौरजीत को दे देना ओके okay, तो दीदी बोलती है अमृता कि ठीक है मैं दे दूंगी ओके okay, अब क्या है कि अमृता ऑफिस चली जाती है अब वो क्या करती है कि सौरजीत के लिए एक नोट लिख के जाती है कि भाई तेरे दोस्त शेखर का फोन आया था और वो जो शेखर है वो कैसे हम लोग मैसेज ड्राफ्ट करेंगे पचास वर्ड में तो ये क्या है इतना देख के डरना मत ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना करना तुझे यही सेलेक्ट तीनों में आगे जो मैंने बताया क्या बताया आगे कि तीन चीजें आएंगी कौन सी पहले ही बता दे रहा हूं इसमें तीन चीजें आएंगी एक है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मत करना ग्रुप डिस्कशन अवॉइड करना ये जो चीज है ना ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज इसको अब भी डिसाइड कर ले कि मां कसम यही करके आऊंगा यस वर्चुअल मैसेज ड्रॉप करके आऊंगा मतलब समझ रहा है कि समझो कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ एडमिन uh, वन ज्योति मैडम आइए आइए जरा देखना आप लोग ध्यान से ओके okay, एकदम ध्यान से आइए कम ये सो यहाँ पर एक एडमिन नंबर वन को रिवील कर रहे हैं शिवानी मैडम थैंक यू शिवानी मैडम आप लोग कल बहुत बोल रहे थे रिवील द एडमिन शी शिवानी एंड ये मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट हैं एंड आप लोग के लिए बहुत ही हम लोग मेहनत कर रहे थे दस मिनट लेट भी हो गया तो जैसे कि समझो मैं शेखर हूं एंड मैंने कॉल किया है okay, ओके शीज अमृता या जो भी है और मैं बात करना चाहता हूँ और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि आपका जो भाई है उसको मैसेज देना सौरजीत को तो अब वो है ही नहीं तो मैंने इनको बताया कि मैं ये हूं मेरा जॉब लगा है ये वो करके और मैं आना चाहता हूँ प्लीज मुझे रहने की व्यवस्था करो वगैरह अपने यहाँ पर समझे क्या ये पूरा पैराग्राफ में लिख के दिया बेटा और हम लोग यही करने वाले एग्जाम में वेट वेट डोंट शेखर ने, ने, ने अमृता को क्या कहा अब वो मैसेज अमृता चाहती है कि अपने भाई सौरजीत को देना ये क्वेश्चन ऐसा इंटर अब शेखर चला गया शेखर इज नॉट हियर ओके अब आप क्या करोगे पेन ले लो एंड टू राइट लेटर ये जो है लेटर लिखेंगी किसके लिए अपने भाई के लिए अब ये क्या करेगी एज अ थर्ड पर्सन लेटर लिखेगी कि लिखेगी तो तेरे दोस्त शेखर का फोन आया था मैं यहीं पर आके बताता हूँ ये लिखेगी कि भाई सौरजीत तुम्हारा जो दोस्त है उसका फोन आया था उसने मुझे ये ये बोला है उसको जॉब मिली है और वो आया हुआ है आ, अपने यहाँ पर रहना चाहता है तो ये उसका मैसेज ये देगी शॉर्ट में ओके थैंक यू तो यहां पर समझा आपने क्या किया बच्चे हुए खुश यस yes. देखो बच्चा लिख है चांस मत मारो अरे बच्चे ये हमारी स्टूडेंट है यार तुम कुछ भी बोलते हो गए okay, चलो तो यहां पर आपने देख लिया सरोजीत के बारे में अब होगा क्या कि अभी इस चीज को अब जो अमृता कैसे लिखेगी समझ में आ रहा है <coughs> एक मिनट अब अमृता इस चीज को लिखने जा रही है अब आपको क्या करना है बस इतना लिखना है बस ये ये एक मैसेज है आंसर के रूप में बस इतना आपको लिखना देखो क्या होता है कभी कभी ना बड़ा जो कंसेप्ट है उसको छोटा करने में मजा आता है छोटे को खींच के लंबा करने के लिए वर्ड्स चाहिए कहां से लाओगे तो यहां पे क्या होता है कि आपको कैसे लिखना है एंसर कैसे लिखना है कि भाई तीस पहले कभी भी डेट लिखना है और टाइम लिखना है आपका चार मार्च है फिक्स आप लिखोगे फोर्थ मार्च कॉमा आप इलेवन ए एम या टेन थर्टी एम जो एग्जाम का टाइम है लिख देना फिर यहां पर जो भी कैरेक्टर दिया था क्या कैरेक्टर था तुम किसको मैसेज देना चाहते हो अब लिख रही है कौन अमृता लास्ट में लिखता है जो लिख रही है अमृता अमृता मैसेज लिख रही है अब अमृता नीचे क्योंकि अमृता अपने भाई को मैसेज दे रही है अमृता का नाम लास्ट में आएगा सौरजीत का नाम पहले आ गया अब अमृता मैसेज लिख रही है कि योर फ्रेंड शेखर कॉल्ड अप टू से दैट ही हैज गॉट प्लेसमेंट इन होटल मुंबई ही इज एट प्रेजेंट बिजी गेटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज डन ही सेड ही वुड गिव यू हिज न्यू कॉल सेल नंबर एज सुन एज ही गॉट बस देखो कितना बड़ा था इतना बातचीत रहा है हेलो कौन पहचान कौन इतना सब चालू था उसके बाद अमृता ने क्या किया सिर्फ तीन लाइन के अंदर मेरे भाई सिर्फ तीन लाइन के अंदर एक कागज पे लिख दिया मैसेज ओके ड्राफ्ट कर दिया मैसेज और छोड़ दिया अपने भाई के लिए अब जो लिखता है उसका नाम नीचे अमृता किसको लिख रही है अपने भाई को सरजीत को शेखर ने उसको फोन किया था वो बीच में उसने डाल दिया कि तुम्हारा जो फ्रेंड बस इतना ही करना है चार मार्क तेरे हाथ में चार मार्क तेरे हाथ में है अरे मेरे भाई चार मार्क तेरे हाथ में तू तो याद रख यहाँ चीजें अलग अलग है ओके तुझे ग्रुप डिस्कशन करने से अच्छा ये अच्छी चीज है ये क्या है देख फिर से देख एक बार बेटा यहां पर देख एक वर्चुअल मैसेज ड्रॉप करना था ड्राफ्ट करना था और इतना सारा चीज दिया रहेगा तो आप देखना है कि किसने किसको क्या बोला अब जिसको भी बोला उसने सुन के तीसरे को क्या मैसेज देगा मतलब ना चुगली करना जो बोलते हैं ना इसका मतलब वही है कि दो जन बात कर रहे हैं। तीसरे ने सुना हाँ फिर जाके बता रहा अरे तेरे बारे में क्या क्या बोल रहे थे तो बस यही चीज है ड्राफ्टिंग मैसेज समझ गए होंगे तो आपको यहां पर तीन चीजें फिर से बताता हूँ फिर से बताता हूँ इतना अच्छे से बताऊंगा भाई तुझे कुछ भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं अब यहां पर तीन चीजें मैं पहले ही बोला क्या आएगा तो सबसे पहले आपका आ रहा है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ये बहुत इजी चीज है चुगली करना दो जन बातें कर रहे हैं ओके okay, उसमें से पहला जो है जाके वही बात तीसरे को मैसेज देगा कि भाई तेरे लिए ये, ये मैसेज है कहते देगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज ये बहुत बड़ा लिखना पड़ता है इसके लिए जो चार मार्क के लिए एक्सपेक्टेशन है तीन से चार पैराग्राफ लिखो उतना कौन इंग्लिश लिखेगा समझ रहा है कि नहीं और यहाँ पर जो ग्रुप डिस्कशन है इसमें खुद से आपको ग्रुप डिस्कशन करने के लिए कैरेक्टर के नाम अगर दिए तो वो क्या बोल रहा है आपकी पहली फ्रेंड क्या बोल रही है दूसरा फ्रेंड क्या बोल रहा है वो सारा खुद कैरेक्टर अपने माइंड में लाके खुद ही उनके डायलॉग्स लिखने पड़ेंगे तो यहां पर पहली बार डिसाइड हो गई कि हम क्वेश्चन नंबर का पहला ए जो है उसमें तीन क्वेश्चन आएंगे उसमें से ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ही करने वाले हैं इसमें बड़ा आसान होता है क्यों मालूम है वापस बताता हूं यहां पे जो सारी मैटर जो है हमको ऑलरेडी दिया है हमको यहीं से उठा के लाइन लिखना है कोई लाइन अपने घर से नहीं लाना है सारा का सारा लाइन यहाँ पर दिया रहेगा बहुत डर लग रही है प्रिया प्रिया डरने का नहीं प्रिया प्रिया मतलब बहुत सुंदर होता है बेटा प्रिया मतलब अति सुंदर जब तुम इतनी सुंदर हो तो पढ़ाई करो अच्छे मार्क्स लाओ सुंदर बनो यस ओके सुंदर सुन के क्या जेठालाल का साला याद आया क्या सुंदर से बहुत डरता था जेठालाल बहुत खर्चा कराता है सुंदर ए जेठिया अठिया इधर अब जब फिर से थोड़ा सा देख ले आगे बढ़ते क्योंकि चार मार्क हमारे पक्के हो रहे हैं हम आगे जा रहे हैं यहां हमेशा तू डेट लिखेगा फिक्स कर ले इसके बाद टाइम लिखेगा जरूरी नहीं कि कल का ही लिखे कोई भी लिख सकता है बट लिख देना है रियल टाइम किसको मैसेज देना है वो ऊपर कौन मैसेज दे रहा है अमृता दे रही है वो नीचे है। और क्या मैसेज वो जो ऊपर पैराग्राफ था उसने फोन पे जो शेखर ने पकाया था ये 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 उसको समरी बना के लिख देने का थोड़ा सा आपने वर्ड्स में बस खत्म चार मार्क तेरे पक्के बस समझ गया बच्चे चल अगला देखते अभी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में ना कि पांच सौ वर्ड्स पांच से छह पैराग्राफ में लिखने पड़ते हैं और हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहला लिख दिया ना हमने पहला लिख दिया मैं ये क्यों लिखूं राइटिंग स्किल करवा रहा हूं इसमें काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं पांच से छह पैराग्राफ लिखना जैसे कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है कि तुम जो है ना एक एनिमल लवर है जानवर से बड़ा प्यार करते हो ओके और तुम्हारे पास एक कुत्ता है डॉग एक पेट है एंड सम लवबर्स एट होम और कुछ लवबर्स है लवबर्स लवबर्स अब लवर्स मतलब वो चिड़िया रहती है ना पिंजरे में वो नहीं गार्डन वाले लवबर्स नहीं पिंजरे वाले यू आर एक्सट्रीमली ऑफ देम तुम्हें बड़ा प्यार है उनसे एंड सो, सो 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 दिया है है और तुम्हें जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है वो ऑफर्स एन एक्सीलेंट कोर्स प्रोग्राम तुम्हें वहां पर एडमिशन लेना देखो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में हमेशा किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात की जाएगी तो आपको बोला है कि अपने करियर में वहां एडमिशन लेने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिखो जिससे आपको एडमिशन लेने में सहायता मिलेगी समझ में आ रहा है हेल्प मिलेगा अब आपको यहां पर देखो ये है स्टेटमेंट ऑफ परपज इस तरीके से समझ में आ रहा है ये पूरा आपको लिखना है ये जो है ना ये आपका आंसर है क्वेश्चन नहीं है आपको क्वेश्चन छोटा सा है कि भाई तुम बड़े एनिमल लवर हो और लव बर्ड है तुम्हारे तुम बड़े प्यार करते हो एक यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज की वहां पर इससे रिलेटेड बायोलॉजी से रिलेटेड जो है कुछ कोर्स आप करना चाहते हो तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है अब लिखो अब तुम क्या लिखोगे पूरा खुद से दिमाग चलाना पड़ेगा एक तो ऐसे ही इंग्लिश पूरी अच्छे से नहीं आती हाँ? धड़ हिंदी मराठी नहीं आती इंग्लिश क्या लिखेगा तो इतना कौन लिखेगा देखो ये पांच छह पैराग्राफ लिखने का है सब समझ रहा क्या स्टेटमेंट ऑफ में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है तो इसीलिए इस चीज को अवॉइड करना अपने पास और करके आएगा और तीन में से कोई एक ही करो रे बात को समझ नहीं रहा है क्या तू तीन में से एक ही करो एक अपना हो गया कौन सा जो पहले बताया किस को ये वाला जो मैसेज देना था वर्चुअल मैसेज ये देख ये वर्चुअल मैसेज वाला ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज ये करने का बात खत्म सारा का सारा कंटेंट इधर इधर से उठा के ऐसा लिखने का कैसा लिखने का डेट टाइम और किसको लिख रहे कौन लिख रहा है बात तीन चार लाइन में मैसेज लिख देने का बहुत ज्यादा नहीं बना चार में आ गया तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज पर पर नहीं करेगा ठीक है अब आगे चलते ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन क्या होता है जनरली जॉब पे जब भी जाते हो आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपका एक मॉक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो क्लियर करने वाले लोग को चार पांच को ग्रुप में मिलाता है बोलो एक टॉपिक दे दिया बोलो तो जो अच्छा पकाएगा बोलेगा उसको सेलेक्ट करते फिर एचआर राउंड होता है यह सब होता है इसके लिए ग्रुप डिस्कशन आपके सिलेबस में तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और चार पांच कैरेक्टर दे दिए जाएंगे जो पार्टिसिपेंट होंगे और बोलेंगे कि भाई जो तीन चार लोग हैं सब लोग मिलकर डायलॉग मारो ओके डायलॉग मारो और डायलॉग के फॉर्मेट में अब यहां पर देखो क्वेश्चन दिया रमा आसिफ और रचना और आरव ये चार कैरेक्टर दे दिए अब रमा आसिफ रचना और आरव बात करने वाले ओके पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन अब यहां पर एक आ, मुद्दा भी लिखा रहेगा यहां पर एक दिया देखो टू थिंक ऑन योर टॉपिक फॉर टूडे ग्रुप डिस्कशन विच इज टीजर्स आर मोर इंक्लाइन टुअर्स जंक फूड जो आजकल के टीनेजर्स है आप लोग भी टीनेजर्स ही हो ओके okay? तो वो लोग है ना ज्यादा जंक फूड ज्यादा कर वड़ा पाव सड़ा पाव ये ज्यादा खाते हैं तो ये जो जंक फूड खाते हैं उसके ऊपर आप लोग डिस्कशन करो जैसे मैंने पहले बताया तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे कि रमा आसिफ ये बात करते जाएंगे तो ये ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन था बेटा ये जो है ना ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ से जो आप देख रहे हो कि ये पूरा क्वेश्चन था यहाँ से ये ये नहीं यहाँ से कि भाई रमा आसिफ वगैरह है ये कैरेक्टर है और आपको जंक फूड खाने वाले बच्चे लोग के ऊपर अब यहाँ पर आप डायलॉग लिखोगे अब जरूरी नहीं कि चार ही लिखो रमा दो तीन बार बोलेगी ना एक बार बोल के चुप थोड़ी होगी रमा कुछ बोली दिस इज नॉट फेयर टू हैव जंक फूड फॉर टीनेजर्स ओके फिर आशी बोलता है यस जंक फूड क्रिएट्स इलनेस इन द बॉडी फिर रमा बोलती है यस यू आर ट्रू दे शुड अवॉइड इट फिर इधर से आरव तो बोलता है तो आपकी मर्जी से खुद कुछ ना कुछ सबके बदले तुम ही लिखोगे वहां पे चार पांच कैरेक्टर आप बना रहे हो एंड यू आर द स्टोरी राइटर डायलॉग राइटर नरेटर तो आप ही खुद सबके बदले डायलॉग मारोगे खुद ही बनके और उसके बाद में इवेल्युएटर प्लीज कंक्लूड इसको कंक्लूड करेंगे ओके अब यहां पर देखो इस तरह से देखो रमा बोल रही है फिर आसिफ ये आंसर है रमा कुछ बोली ओके आसिफ फिर कुछ बोला आरो बोला फिर रचना बोली फिर इवेल्युएटर कंक्लूड कर रहे हैं फिर आरो मतलब इस तरह से कम से कम इतना लिखना चाहिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये भी कर सकते हो मेरा कोई ये जोर नहीं कि आप यही करो आपको जो भी चीज अच्छी लगे वो कर सकते हो तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं या तो मैंने जैसे बताया ड्राफ्ट तो वर्चुअल मैसेज ये दोनों में जो अच्छा लगे कोई करो एंड ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज इज वेरी बेस्ट तो, तो चिड़िया की आपको भरना है ये क्वेश्चन में तीन चार पेज में यही सब रहेगा सर तीन चार पेज में हाँ ना भाई एक वर्चुअल मैसेज का एक पेज रहेगा फिर दूसरा जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज का एक पेज रहेगा तीसरे पेज पे ये रहेगा क्योंकि बडा बडा एक एक लाईन के बीच में गॅप होता बुला ना बुकलेट देते रे ऐसा पॅराग्राफ भी ना एक पॅराग्राफ एक दो पेज पे देता तो तू तीन चार पेज के डर मत जाणार बे बच बुकलेट देणार एवढा मोटा प्रश्न पत्रिका एवढी मोठी मी कसं करणार आणि बीपी बीपी लो हो जाता बाप रे बाप अर हे डोक्याला ताप मी एवढा कसं लिहिणार अरे काय त्यामध्ये ऑप्शन आहेत रे भरपूर त्यापैकी तिघांपैकी एकच लिहायचंय आपल्याला कुठे तू घाबरतोय ओके चला मुलांना ये झालं हे झालं आता फिक्स ग्रुप वर्चुअल मेसेज वर्चुअल मेसेज करना कारण कंटेट पाजे अपने लिया फॉर्मेट बरब लिया डेट टाइम को चला अब हमारा चार मार्क यहाँ पर हो गया खत्म ओके अभी हम लोग आगे जाते हैं हमारा जो दूसरा है क्वेश्चन नंबर फोर बी एकदम मेरे दोस्त प्यार से अरे तुझे नींद नहीं आएगी रे कैसे नींद आएगी कल एग्जाम है आती भी आप कर चुके हो आपने हमारे मुकेश सर के चैनल पे आशीष सर के ब्लॉग से मैं सारी चीजें देने वाला हूँ पीडीएफ भी देने वाला हूँ सब ये सारे पीडीएफ देने वाला हूँ आपको अगर ज्यादा ज्यादा चाहिए होगा तो सब अभी दिखाऊंगा और आप डाउनलोड करोगे यहीं पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा सब अपने डिटेल में पढ़ा है, है ओके रात रात है 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 कयामत कयामत की दिन है, कर रात है, भाई और डाई चल रहा है, जो करेगा कैसे भी करेगा लाएगा। अगला पक्का हो गया, चार मार्क्स हो गया तीन में से बहुत ज्यादा मत कर किसी एक पे फोकस कर सबको सब मत पढ़ते जा, कि चार पांच पढ़ रहा है क्वेश्चन बेटा ईमेल रिपोर्ट राइटिंग ओके एंड इंटरव्यूल रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू परिपोर्टिंग एंड व्यू तो ई मेल मतलब है चिट्ठी लिखना अब चिट्ठी भी डिजिटल फॉर्मेट में लिखना पहले चिट्ठियां कागज पेन से लिखी जाती थी अब वह सब नहीं चलता सीधा मेल करना पड़ता ई मेल ओके 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 तो अब कैसे करेंगे थे? यहां पर मैं अब तुझे डिसाइड करना है कि इन तीनों में से ना कोई एक ही करना होगा या तो ई लिखेगा और करके आएगा रिपोर्ट राइटिंग करेगा या तो करेगा इंटरव्यू अब इन तीनों में से बेटा तू कोई एक करने वाला है अगर तू थोड़ा डिजिटली है तुझे इंग्लिश अच्छी आती है और ईमेल लिखने में एक्सपर्ट है एक्सपीरियंस है ईमेल कैसे लिखा जाता है ईमेल को प्रिफरेंस दे लेकिन ईमेल में भी दो तीन पैराग्राफ लिखना पड़ेगा थोड़ा दिमाग लगा के इंग्लिश की लाइन निकालनी पड़ेगी ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करने का रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है जैसे कि कोई इवेंट हो गया कोई न्यूज वाले रहते हैं ओके okay, कोई नहीं चार सोना है तो जाग जाइए और जो जाग रहे हैं वो भाग जाइए तो इस तरह से जो न्यूज रिपोर्टिंग होती है बट टीवी वाली नहीं रे ये न्यूज पेपर वाली वो क्या होता है पहले लिखा होता है न्यू डेली ओके फिर इस तरह सारी चीजें लिखी होती है कि कहाँ पे क्या हुआ ओके okay, रशिया ने यूक्रेन पे जो है कोई तो बॉम्ब गिरा दिया फिर उसको डिटेल में लिखना पड़ता है तो एक फॉर्मेट होता है तो ये रिपोर्ट लिखा जाता है फिर इंटरव्यू क्या है यहां पर आपके सिलेबस में इंटरव्यू मतलब क्या है कि तुमको ना अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी वो तो डूब गया अनिल अंबानी मुकेश अंबानी का इंटरव्यू लेना है अरे वाह खुश हो गए मुकेश अंबानी है उधर जाने के बाद नीता भाभी से जरूर मिलूंगा नीता अंबानी से है ठीक है भाई ठीक है कोई बात नहीं मुकेश अंबानी का तुमको इंटरव्यू लेना है अब ये बोलेगा इंटरव्यू लो अब तुम क्या सच में थोड़ी जाओगे इंटरव्यू लेने मुकेश अंबानी क्या बोलेंगे क्या सर मिलूंगा तो बोलेंगे ना वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो नहीं सुनने का हम क्या पूछने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है कि विच क्वेश्चन आई विल आस्क टू हिम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उन चा से क्या क्वेश्चन पूछूंगा तो वो इंपॉर्टेंट है तो इंटरव्यू में क्या करना है कि आप जो है यहां सात से आठ क्वेश्चन बनाएंगे यार ये बड़ा मजेदार है अरे गजोधर हमेशा उत्तर पूछता था पहली बार कोई आया क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये बड़ा मजेदार है तो ठीक है अभी क्या करेंगे देख ईमेल लिखना है और ना आप कभी भी ट्वेंटी वन देखते हो या डाइजेस्ट देखते हो नवनीत या टारगेट देखते हो या कोई भी ऐसे क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देखते हो देखते हो यार बड़ी हार्ड इंग्लिश लिखी होती है एक एक वर्ड ऐसे होता है जब ऊपर से चले जाते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है जरूरी नहीं है कि जो बुकिश लैंग्वेज है वही करो गाइड में जो वर्ड है वही यूज करो तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में करो ये राइटिंग स्किल जितना भी आज बता रहा हूं ना ये आप अपनी ओन लैंग्वेज में करेंगे सर मेरी खुद की भाषा तो मराठी है मेरी तो भोजपुरी है अरे मैं तो गुजराती हूँ मैं तो उर्दू में लिखता वो वाली भाषा नहीं रे इंग्लिश भाषा बट तेरी खुद की भाषा नॉर्मल इंग्लिश इंडियन इंग्लिश तुझे जितनी आती है वो जो लिखेगा सही लिखेगा गलत नहीं लिखेगा जो नहीं आता वो नहीं लिखेगा ऐसा अपनी भाषा मतलब इंग्लिश रे एकदम हाई लेवल इंग्लिश आती है तो लिख नहीं आती है बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश से डर लगता है तो नॉर्मली तुझे जो आता है ना वो लिखना हाई हेलो यू यू थैंक चल अभा निकल तो जो भी आता है उसको नॉर्मली और ऐसे चीज को ढूंढना है जहां पर कंटेंट मुझे खुद वहां पर अवेलेबल हो कुछ नया करने मत जाओ जैसे पैसेज में से क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं तो पैसेज में से ढूंढ के वैसा कुछ समझ में आ रहा है चल अभी आ जाओ इन तीनों में से क्या करेंगे नोवेल आ रहा है बेटा अरे नोवेल आ रहा है ये खत्म करता हूं ना नोवेल आएगा जब तक पूरा करूंगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं टेंशन मत ले अब मेल ईमेल ईमेल ओके अभी कुछ लोग कहते हैं कि आजकल हमारे यहां शादियां जो है ईमेल से होती है आजकल हमारे यहां जो शादियां हैं ईमेल से होती है मैंने कहा पागल हो क्या हमारे यहां तो आज भी शादियां फीमेल से ही होती हैं ओके तो जिसको पता नहीं है ईमेल क्या है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ईमेल से शादी होती है आज तक और हमारे यहां तो फीमेल से ही शादी होती है चल भाई तो ये ईमेल ईमेल क्या होता है एक फॉर्मेट होता है जैसे बता दूं हम लिखते हैं टू करके फिर सी सी लिखा जाता है कार्बन कॉपी होता है समझा और बी मतलब कार्बन टू मतलब आप किसको ईमेल भेज रहे हो एट द रेट एक्स वाई जेड एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आजकल के बच्चे है ना सब शॉर्टकट फॉर्म में गाली देते हैं क्या बोलेगा और गाली भी कैसे देते हैं अभी बताता हूँ सी सीसी मतलब ये ये जो जिसको मेन भेज रहा है उसका एक कॉपी किसको भेजना उसका और उसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसको भेजना ये सब होता है फिर आप डियर डियर सर सर या रेस्पेक्टेड मत लिखो किसी को प्रोफेशनल लिख रहे तो रेस्पेक्टेड लिखो और ऐसे करके आप ईमेल लिखना चालू कर रहे खचा खच, खच, खच। खचा खच दूसरा पैराग्राफ खचा खच खचा खच लिख रहे हो और बाद में क्लोजर करते रिगार्ड्स अपना नाम लिखते हो अपना नाम कहीं पेपर में नहीं लिखने का अपना नाम पेपर में कहीं नहीं लिखने का ना ओम नमः शिवाय ना श्री गणशाय गणशा ना सेवन एट सिक्स ना तो उर्दू में कुछ लिखो ओके okay. कुछ नहीं लिखने का बाहर दैट इज नॉट अलाउड तो ये ईमेल का कंटेंट होता है ये इस तरह से लिखना होता है लास्ट में रिकार्ड लिखते हैं अगर आपको ईमेल लिखना पसंद है तो ये लिख सकते हो दो टाइप के ईमेल आ सकते हैं एक हो सकता है कि भाई अपने किसी फ्रेंड्स को बताओ फेमिलियर ईमेल एक हो सकता है कि आप जॉब वगैरह के लिए एडमिशन के लिए किसी ऑफिशियल को लिख रहे हो ठीक है तो ये ईमेल वाला कंटेंट हो गया रिपोर्ट मतलब कि यार कोई आपके स्कूल में कोई डे मनाया गया या जूनियर कॉलेज में आपके डे मनाया गया नेशनल साइंस डे ओके आ, ऐसा कोई डे मनाया या अभी इंग्लिश है तो मराठी दिवस तो आएगा नहीं मराठी दिन राष्ट्रीय मराठी दिन आ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे नेशनल साइंस डे का कुछ आ गया और बोलेगा उसके ऊपर रिपोर्ट बनाओ एज अ न्यूज रिपोर्टर रिपोर्ट बनाओ कि क्या हुआ कैसे हुआ कौन गेस्ट था कैसे क्या किया तो ये हो गया तीसरा क्या होता है इंटरव्यू ये बड़ा मजेदार होता है ये बोलता है सात से आठ है ना क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन बनाओ तो यार देखो आंसर देना बड़ा डिफिकल्ट होता है क्वेश्चंस का लेकिन क्वेश्चन पूछना ही ना जैसे मैं आपको बोलूं बजार होने वाले इक्कीसाफी ये तो ना इंसाफी है चालीस हजार करो जल्दी से यस ये देखो ये लड़का चालीस रुपया दे के चालीस हजार इधर हुए नहीं है चालीस रुपया देके आई लव यू निशा बोल रहा है तक पागल पागल होगा यहाँ आई लव यू बोलने आए हो नहीं बेटा अभी मुझे बता कि धरती से चांद की दूरी कितनी है थोड़ा लैग हो गया था आ गया मैं आ गया आ गया यस धरती से चांद की दूरी अब तुम बोलोगे सर हमको पता नहीं है हमको पता नहीं है धरती से चांद तो वही तो बात है क्वेश्चन पूछना बड़ा आसान है आंसर देना डिफिकल्ट है मुझे थोड़ी आंसर देना था मैंने पूछ लिया तो यार यहां पर मैं बोलूंगा तेरे अर्जुन की जो चिड़िया की आंख है वो ये रही इंटरव्यू पूरा फोकस इस पे कर अब मैंने बता तो दिया ईमेल फीमेल रिपोर्ट क्या होता है बट तू क्या करेगा पूरा फोकस इस कर तीन चार इंटरव्यू अच्छे से कर ले क्वेश्चन बनाना होता है उसी पे पूरा ध्यान देना क्वेश्चन बनाएगा देख यहां कुछ लोग साइंस वाले आ गए साइंस वाले आ गए तो धरती से चांद की दूरी बता रहे हैं। <coughs> चलो आगे करेंगे तो अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं इसके बारे में डिटेल देखते हैं ठीक है अब ईमेल

उसको ई मेल लिख की भाई उस दोस्त ने ना अपना सिटी चेंज किया है okay, uh, मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहा है उसको ई मेल करके समझा क्या वे तू गांव से शहर में आया थोड़ा एडजस्ट कर चीजों को समझ आ रहा है कि तो कैसे करेगा देख करे? यहाँ से आंसर है आप यहाँ पर लिख रहे हैं टू अब यहाँ पर कोई डमी ईमेल लिख दे ओके okay, सब्जेक्ट लिख दे कि वेलकम टू मुंबई इस तरह से लिख सकते क्योंकि ई मेल में तो सब्जेक्ट लिखना पड़ता है पहले जब हम लोग लेटर लिखते थे फॉर्मल इनफॉर्मल तो भाई फॉर्मल लेटर होगा तो ही सब्जेक्ट लिखने का घरेलू पत्र है इनफॉर्मल है तो सब्जेक्ट नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं है डिजिटल में सब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है क्योंकि ई मेल लेगा तो सब्जेक्ट पहले दिखता है तो वेलकम टू मुंबई डियर अंकित फ्रेंड है तो डियर लिखा किसी को जॉब के लिए लिख रहा या किसी सर को लिख रहा तो रेस्पेक्टेड लिखना फिर इस तरह से एक पैराग्राफ बनाया पहला इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछ लिया फेमिली है दोस्त बीच था वेरी फाइन ओके ओके हेलो आई एम वेरी वेल हियर एंड होप दैट यू विल बी सेम देयर तो कुछ लाइंस होती याद कर सकता है लेकिन तू तो, तो ये करने वाला नहीं करना होगा फिर पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन कर पता चला कि भाई तू शहर से गांव से शहर में आ तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है वगैरह इंग्लिश में अच्छे से लिख अपने ओन में लिख ओके और फिर तीसरे में उसको समझा कि मुझे पता चला दिक्कत हो रही है तो तू ऐसा ऐसा कर ये कर तू टेंशन मत ले इस तरह से तुझे लिखना है ओके अभी इसी चीज को क्लोज करते हैं ओके एक मिनट लास्ट में रिगार्ड्स करके भी लिखना यहां रह गया था लास्ट में ईमेल के नीचे रिगार्ड अब इस इसमें ज्यादा टाइम क्यों नहीं दे रहा आपको आता है लेकिन अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हो मैं आपको पूरा क्वेश्चन के ऊपर इंटरव्यू के ऊपर डालने वाला हूं अब देख सी अब दूसरा एक ईमेल लिखने आ सकता है कि इस तरह से बॉक्स आया ईमेल की सिचुएशन वैकेंट यानी जॉब के लिए एक वैकेंसी है अरे यार चालीस हजार नहीं हुए क्या बात है दोस्तों को शेयर नहीं किया लगता है अरे बुला ना अपने दोस्त को एक सिचुएशन वैकेंट कोई जाएगा नहीं खत्म हो रहा है खत्म हो रहा है कोई जाएगा नहीं बहुत अच्छे से बता रहा हूं एकदम मजेदार अभी गाने पीने भी, भी गाने वाला बहुत अच्छे अच्छे यस सिचुएशन है और वांटेड यहाँ पर एक सिविल इंजीनियर की जरूरत है जिसको दो साल का एक्सपीरियंस है ओके okay, अंधेरी ईस्ट में कुमार कंपनी वाह 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 इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल करना है और एप्लीकेशन करना है एज ए पोस्ट ऑफ ने तो ये पूरा एक दिया इसके पहले फ्रेंड को ईमेल किया था अब देख दूसरा एक ई ऐसा हो सकता है ये तो तुझे चाहिए तो ये कर सकता है नहीं करना है तो छोड़ भी सकता है जैसे टू किसको लिखना है सब्जेक्ट फिर सर करके अभी देखो सर है रेस्पेक्टेड सर सिर्फ सर लिख दिया और जब भी ऐसे करते हैं तो दिस इज विध रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट हमेशा ये लाइन लिखते हैं जब जॉब वगैरह के लिए एप्लीकेशन की आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट आपने दिया था उसके रेफरेंस से मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं तो ये कुछ स्टार्टिंग की लाइन फिक्स होती है ई वगैरह होता है और लास्ट में जो है आप अपना पूरा डिटेल भी लिखते हैं यहाँ पर रिगार्ड्स करके थैंक यू योर और आप है ना अटैचमेंट लगाते हैं

कि इंडिया विंस सीरीज़ जो व्हाइट कलर में दिख रहा है वो है वो हमारा क्वेश्चन कि यस इंडिया, तो इंडिया लिखो, लिखो, लिखो. जीत कहानी जीती, तो बना देना कैसे जीती किससे सामने कौन था पता ही नहीं सर फाइनल में लाना पाकिस्तान को थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा मैच का टीआरपी बढ़ा जैसे दिनेश सर के लेक्चर की टीआरपी दो दिन पहले कैसे बढ़ गई इतना तो मैंने कभी सपने में कल रात को तीन बजे तक मैं जगा था मुझे मैं ऐसे बेहोश हो गया था मतलब मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि दो लाख बीस हजार बच्चे मेरे लेक्चर में मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था और आज तो मैं एकदम मतलब कावरा बावरा होने वाला हूँ तुम लोग को देख के मैं एकदम कावरा बावरा हो रहा हूँ कि भाई इतने बच्चे कैसे आ गए समझ रहे कि नहीं रात को तीन बजे तक जगा था आज तो लगता है रात भर नींद नहीं आएगी ठीक है तो यहां पर ना तो टीआरपी बढ़ा कैसे बढ़ाएगा ओके कैसे बढ़ाएगा कि इंडिया विंस टी सीरीज

इंडिया इसने वेस्ट इंडीज को पकड़ा इंडिया ने वेस्ट इंडीज को बाईस रन से ओके okay, हरा के जो सीरीज जीत ली है ओके okay, फिनाले जो है वो ओके okay, थाउजेंड्स और लोगों ने चीयर करते हुए देखा इंडिया ने 201 रन बनाया था छ विकेट लेके तो इसने बता दिया कि कैसे जो है इंडिया ने इसको कितने रनों से कितने विकेट से हरा के कैसे क्या किया समझ रहे बात को एकदम एकदम थैंक यू एवरी मेकिंग अ टीचर सो पॉपुलर इन ओनली अ स्टेट ओके okay, एक स्टेट के अंदर इतना पॉपुलर बना बनाएगी थैंक यू ओके तो यहाँ पर ये पहला पैराग्राफ हमेशा न्यूज रिपोर्ट में ये लिखी जाती है उसके बाद तू अपनी कहानी लिखना चालू कर कैसे कैसे क्या हुआ किधर क्या हुआ कौन पहले आया था फिर कौन सेमीफाइनल में आया उनकी कैसे मैच हुई सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका था वहां साउथ अफ्रीका को कैसे हराया फिर उसके बाद इंडिया फाइनल्स में आई फाइनल्स में वेस्ट इंडीज आ गई अब यहाँ पर इसने लाया तू तेरे हिसाब से कोई भी टीम ला सकता है फिर आई का मत लिख के आ जाना टी ट्वेंटी सीरीज कौन सा आईपीएल नहीं है टी ट्वेंटी है. नहीं तो उधर बोल के आएगा मुंबई एक्सप्रेस वर्सेस रॉयल चैलेंजर कोलकाता नाइट राइडर वो जरा ध्यान देने का क्या टॉपिक दिया फिर पूरा ही गलत हो जाएगा समझ तो में आ रहा है चीजों को समझो टी ट्वेंटी अभी कुछ बच्चे ना आईपीएल को पी आई एल पी आई एल कर रहे हैं कुछ दिन से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पी आई एल दायर की गई थी अब उनको आईपीएल बोलेगा तो पी आई एल दिखता हाँ क्या हुआ क्या हुआ हमारे पी आई एल का अब डिसमिस हो गई नहीं तो कल तू एग्जाम नहीं देता और ये लेक्चर आज नहीं होता ठीक है चल तो ये हो गया मैं चाहूंगा कि ये भी मत लिख अगर मजबूरी रही तो ये तरीका मैंने बताया लिख देना अब आ गया अपना फेवरेट जो तू करेगा चिड़िया की आग तेरी यही है चालीस का आंकड़ा नहीं हो रहा यार क्या कर रहे तुम लोग यार और से, से, सेशन को लाइक करो यार यस तू है ना देख बेटा यहां तीन चीजें थी ईमेल थी फीमेल नहीं थी ईमेल थी समझ में आ रहा है न्यूज रिपोर्ट थी और तीसरा इंटरव्यू ओके देखो इंटरव्यू में मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि यहां जो आप पूछोगे सही है जैसे कि एक बार बोला एक बार एक बंदे ने बोला मेरे को ही पूछा कि तुम्हारे सर पे कितने बाल है मैंने बोल दिया भाई तीन करोड़ पचास लाख पांच सौ बारह बोला इतना कॉन्फिडेंट बोला हाँ इतना ही है बोले अच्छा बोला हाँ यकीन नहीं हो रहा गिन के देख लो, लो गिन के देख लो फिर वो टेंशन में आ गया हाँ यार मैं किधर से गिनूंगा समझ में आया कि नहीं तो भाई ऐसा क्वेश्चन कुछ भी पूछो चलेगा आंसर से मतलब नहीं है ठीक है तो हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन जो भी आएंगे क्या करने का देखो कुछ चीजें होती है जैसे मैंने बताया अंबानी चाचा को हम क्वेश्चन पूछेंगे यस और चालीस हो गए कांग्रेचुलेशन चुलेशन टीम दिनेश सर महाराष्ट्र के सभी स्टूडेंट का बहुत 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 बधाई आप सभी को यार चालीस हजार बच्चों का रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेक्चर हो रहा है यार एकदम और जोश के साथ आपको बता दू अब तो इंटरव्यू क्वेश्चन तोड़ेंगे अरे अंबानी चाचा जल्दी आओ अरे तुम्हारे तुम्हारे पास अरबों रुपए हैं मेरे पास चालीस हजार बच्चे हैं ओके अंबानी चाचा को कोई भी चाचा हो किसी का भी इंटरव्यू लेने सचिन तेंदुलकर का लेना है या किसी का लेना है मोदी जी का लेना है या तो यहां से आलू डालेगा वहां से सोना निकलेगा पप्पू जी का लेना है किसी का भी लेना है तो क्या करेगा तो सबसे पहले एक याद कि उसके के बारे में आपका टाका कहां है बताओ ये सब नहीं पूछने का पर्सनल नहीं जाने का ज्यादा मतलब समझेगा थोड़ा सा प्रोफेशनल रहने का उसके अर्ली स्टेज के बारे में पूछने का स्ट्रगल के बारे में पूछने का उसके एजुकेशन में कैसे मैंने रात रात सड़क के लाइट में बैठ के पढ़ाई की है मैंने मोमबत्ती के नीचे पढ़ाई की तक बगल दिन में क्यों नहीं पढ़ता था सनलाइट में जरूरी है रात में ही पढ़ना था तो उसके एजुकेशन में अडल्ट क्या थे उसके रोल मॉडल कौन है उसको इंस्पिरेशन कौन है जैसे बहुत जन बोलते एपीजे अब्दुल कलाम इज माई इंस्पिरेशन तो वैसे किसी ना किसी का कोई इंस्पिरेशन रहता ओके उसके फैमिली सपोर्ट मिला क्या इस लेवल पे आने में ओके उसका पहला अचीवमेंट क्या था उसका सक्सेस प्लान क्या ये कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं जो आप याद रख सकते हो मुझे आ रहा ये में में आपको दूंगा लेक्चर होने के बाद डिस्क्रिप्शन इसकी लिंक दो तो मतलब ना तो दस बना सकता है आठ से दस क्वेश्चन बना सकता है ठीक है ओके यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट आंसर टू दीज क्वेश्चन आंसर लिखना जरूरी नहीं है क्वेश्चन के छोड़ दे आंसर मत लिखना भले उसका आंसर आता हो कि नहीं आता हो ठीक है मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे लाल मेरे जिगर के छल्ले हो मेरे लल्ले यहां पर ये भी चार मार्क आई है तो देख एक क्वेश्चन क्वेश्चन एक वेशन तेरे को आधा मार्क्स देगा अगर तू बोलेगा सर मेरे को बहुत क्वेश्चन बनाने नहीं आ रहा है मैंने छ क्वेश्चन बना दिए थे एग्जाम में मुझे कितना मार्क्स मिलेगा बेटा तुझे तीन मार्क्स मिलेंगे छे क्वेश्चन बोले तो तीन मार्क्स बेटा आठ क्वेश्चन का चार मार्क है इस तरह से रख और उसमें भी क्या है कि जो भी है चीजों के अंदर अगर मैं अलग अलग बात करूं कि तू क्वेश्चन को सही से बना रहा है जो लैंग्वेज भाषा है प्रॉपर इंग्लिश ही यूज कर रहा है उसमें हिंदी मराठी के शब्द नहीं डाल रहा है ओके और तेरा इंप्रेशन कैसा है? मतलब क्वेश्चन कैसे बनाया इस तरह से दो एक एक ग्रामेटिकल मिस्टेक ज्यादा होगी तो एक मार्क चला गया भले तूने आठ लिखा है तीन ही मिलेगा अब यहां पर क्वेश्चन बनाने की कुछ चीजें होती है कभी भी डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन ही बनाने की कोशिश करें डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन देखो क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं वर्बल एक एक वर्बल क्वेश्चन होता है जो यस yes, या नॉट टाइप क्या तुम लड़के हो हाँ सर तो ये क्या हो गया वर्बल क्वेश्चन से तू क्वेश्चन बनाएगा बेटा कल की बात है आज का ताजा ताजा सब तेरे को कल याद आएगा देखना तो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन जब भी डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं वॉट उसके बाद तुरंत लिखना चाहिए ओके वट इज वट इज एम ऑफ योर वॉट इज योर एम इस तरह से वॉट इज योर फर्स्ट अचीवमेंट इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया तो यह जो हेल्पिंग होता, के होता। ये कुछ बेसिक चीज़ होती है क्वेश्चन की वो थोड़ा याद रख और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत बोलना अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन नहीं कहलाएगा समझ रहा है समझ रहा है कि नहीं <clears throat> तो ये इस तरह से फ्रेम करना नंबर वन फिर इस तरह से नंबर टू ऐसे करते एक, -एक लाइन छोड़ के या तू आठ क्वेश्चन कम कम से कम लिख दे और तुझे मजा आ रहा है तो नौ भी लिख सकता है दस भी लिख सकता है लेकिन याद रखना गलती मत करना कम लिखेगा चलेगा गलत मत लिखना भले तू ज्यादा लिखेगा गलती किया स्पॉट द एरर हो जाता है वहां लाल लाल निशान आता है स्पेलिंग मिस्टेक और वहीं पे तेरा वन मार्क खराब हो जाएगा ये चीज याद रखना तो ये बड़ा इजी होता है जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर देख बेटा तुझे मैं बता रहा हूं ये करना है ओके अब यहां पर आठ से दस क्वेश्चन बोला है यू लाइक टू आस्क योर कॉर्पोरेटर आपका नगर सेवक है नगर पंचायत तो का कोई ग्राम सेवक है नगर सेवक है कॉर्पोरेटर है उसको जो है एंड डर्ट इन योर एरिया एरिया आपके area में कुछ गंदगी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछना है तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए धक्काधक चालू नहीं थोड़ा पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा नमस्ते वगैरह करने का कि नमस्ते सर पहले थोड़ा सा उसको चढ़ाने का चने के झाड़ पे कॉन्ग्रेचुलेशन आप हमारे नगर सेवक बने धन्यवाद थोड़ा सा चने के झाड़ पे चढ़ा डायरेक्ट कहने का क्या किए हो हमारे गांव के लिए शहर के लिए क्या किए हो गटर वोटर तो कितना गंदा है वो बोलेगा अरे यार तू इंटरव्यू लेने आया है कि समझ रहा है कि नहीं हा? तो थोड़ा सा थोड़ा सा एकदम तो नमस्ते सर कॉन्ग्रेचुलेन ऑन विनिंग द इलेक्शन फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी नमस्ते सर बहुत बहुत बधाई आप हमारे विधानसभा से जो है चुनाव जीते हैं ठीक है अब चालू कर ओके मे आई आस्क यू टू फ्यू क्वेश्चन थैंक यू पूछ ले क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ थैंक यू अब वो कुछ बोले नहीं बोले उसको छोड़ तू इतना बोल के चालू हो जा एज यू कैन सी सर दिस प्लेस इज फुलटेड गार्बेज गंदा क्यों है पहले बता रहा है कि इतना गंदा है क्यों है बताओ तो आप अपने हिसाब से आपको जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनाना है थोड़ा सा कोशिश कर बड़ा दिखना चाहिए नहीं तो ये लिख देगा वाई इज सो here? बस इतना बोल दिया तो भाई मार्क्स देने वाला सोचेगा ना यार इतना छोटा क्वेश्चन इतना छोटा क्वेश्चन मैंने एक बोला था एक चाचा को मेरे को स्टोरी बता बोलता है एकदम छोटी स्टोरी बताऊ दुनिया की सबसे छोटी स्टोरी मैं बोला हाँ बताओ एक बुद्धि बचपन में मर गई बोला आगे बता बोले खत्म हो गई ना मर गई वो एक बुढ़ी बचपन में मर गई अब मैं क्या करूं मेरा तो मतलब ऐसे मूड हो उदा है यार स्टोरी सुनने गए थे बुढ़ी बचपन में मर गई और कोई बुढ़ी थी तो बचपन में कैसे मरी वो बोला मेरे को कंफ्यूजन में डाल दिया अब मैं सोचते बैठा वैसा मत करना क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें वर्ड्स बनाना जैसे ना थोड़ा सा वर्ड्स थोड़ा सा बढ़ा देना कुछ ना कुछ और नाउन एडजेक्टिव वगैरह यूज करके थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के और कुछ भी गलत नहीं हो तू तो जो क्वेश्चन पूछेगा सही है जो क्वेश्चन पूछेगा सही है यहां कोई एक्सपेक्टेड नहीं है यहां चेक करने वाले को बोला जाता है कि बच्चे ने अगर सही से क्वेश्चन पूछा है ग्रामेटिकल मिस्टेक ने चार मार्क दे दो तो भाई क्यों ना हम इंटरव्यू करके आए करके अब इंटरव्यू ठीक है चलो बहुत अच्छे ये इस तरह से इंटरव्यू क्वेश्चन है यहां पर कुछ नौ दस क्वेश्चन पूछ लिया है ओके वर्बल क्वेश्चन भी पूछेगा तो चलेगा यस नो टाइम जैसे कि यहां पर मतलब डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन पूछना चाहिए हमेशा और कुछ वर्बल क्वेश्चन भी डाल सकता तू ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते ओके okay, क्या हो गया भाई ओ, एक तो एक मिनट है बेटा तो इज हेल्पिंग से शुरू होने वाले कुछ होते हैं जो तुम पूछ सकते हो यस yes? <coughs> एक मिनट है बच्चो अभी आज आपको मैं नॉवल्स वगैरह भी कराने वाला हूँ एकदम टेंशन मत लो बेटा एकदम मस्त तरीके से होने वाला है एकदम देखो क्या होता है ना कि यहाँ पर मैं आया हूं आपको पढ़ाने के लिए ठीक है यहां पर पुराने के लिए मैं कबड्डी खेलने नहीं आया हूं कबड्डी 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 आया कबड्डी 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 हु तू 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 लाइन चुके गया अरे यार पढ़ाने आया हूं यार पढ़ाने आया हूं ना तो आधा एक घंटा पढ़ाऊंगा कि नहीं अच्छे से पढ़ाऊंगा जो करूंगा अच्छे से करूंगा तो नहीं करूंगा कबड्डी थोड़ी खेलने आया लाइन चुके भग जाना है चल बेटा तो अब देखिए यहां पर ये हो गया अभी कुछ ये सेशन को लाइक करो यार जो नए बच्चे आ गए सेशन को लाइक करो मेरे दोस्त अब देखो यहां पे मुकेश अंबानी है।, okay, है मैं पहले ही बोला मैं मुकेश अंबानी को पकड़ने वाला हूं ओके okay, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल का मैंने दिया ये कि उसके अर्ली लाइफ के बारे में हडल्स इन एजुकेशन जो मैंने बोला था ये कुछ टॉपिक्स होते हैं आप खुद से याद कर सकते हैं और जरूरी नहीं कि ऐसे लिखना आप यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि कैसे हम उसके फैमिली के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैसे हम उसके इंस्पिरेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है जैसे कि बोल दिया यहां पर उसके एजुकेशन में सो यू यू हैव हैव हैड अ ग्रेट एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड बट यू डिड फेस क्या तुमने आ, कुछ हडल्स यानी मुसीबतें एजुकेशन के लिए झेली हैं तो वट द दर्डल्स यू हैड इन योर लाइफ कि तुमने जो है एजुकेशन पाने में शिक्षा पाने में क्या क्या मुसीबतें झेली हैं तो ऐसा इसने बोला है थोड़ा सा पका के बोला एकदम तो जरूरी नहीं कि आप इतना थोड़ा सा कुछ पहले बोलने का लाइन फिर क्वेश्चन पूछ लेने का अब तुम सोच रहे हो धीरू भाई अंबानी का बेटा क्या झेला होगा गलत क्वेश्चन है ऐसा कुछ नहीं होता है गलत क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना उसको भी होगा ना कि भाई मेरे पास सब कुछ था मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता तो जबरदस्ती so है तो ए, आप लिखेंगे अब आपके चार प्लस चार पक्के हो गए पहले में क्या कर रहा है? मालूम है ना वर्चुअल अमृता वाला था ना वैसा कोई आएगा दो जन बातें कर रहे तो दूसरा जो है तीसरे को मैसेज दे रहा था पहला चार मार्क दूसरे में मैंने सब कुछ बता दे बताने के लिए मैं सब बता रहा हूं लेकिन तुझे क्या करना है खुद डिसाइड करना है मेरे एंड से मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान रख ओके तो इंटरव्यू ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि क्वेश्चन पूछ के हट जाने का भले उसका आंसर हो कि नहीं हो ओके जरूरी नहीं कि यहां पर जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वही सारे क्वेश्चन अपने मन से सिंपल क्वेश्चन भी बना सकता है थोड़ा सा उसका वेटेज रख के सुन के ऐसा लगना चाहिए इंग्लिश में बोला ओके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सातवीं आठवीं का लड़का कुछ लिख रहा है ओके करण लकरा सोनू आई लव यू सोनू तुला माझ्या बरोबर नाही काय तिथे सोनूला आय लव्यू लिहित आहे दिनेश तर शिकवत असं करू नये चॅटमध्ये आई लव यू लिहून आहे सोनूला काही लोक इथे प्रपोज करण्यासाठी आले अरे उद्या परीक्षा आहे उद्या परीक्षा आहे इथे मी शिक्षा देतोय आणि तू काय करतोय रिक्षामध्ये बसून सोनूला आय लव्ह्यू म्हणतो अरे काय गाडवा लक्ष दे ओ, काही लोकांचं असं असतं आमचं लक्ष फक्त पोरीनवर अरे कशाला आता परीक्षा आली ओके सिलेबस वर ठेव पैटर्न बग का लिया तो बग पोरिन लक्ष्य टेब लक्ष ठेवतोय ओके सो बैटरी चेंज कर रहे यस 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 मुला बच्चो आगे चलते हैं देखो मैंने दो बताया प्यार मोहब्बत में बोला ना आज की रात शब्द रात है कयामत की रात है भाई कसम खा के जाएगा कल पूरा लिख के आएगा कुछ छोड़ेगा ना सब सब करके आएगा अभी ये खत्म हो रहा है इसके बाद नोवेल चालू करूंगा

कंपेयर कोई इवेंट है उसको होस्ट करना है। कोई एक इवेंट है तुमको होस्ट बनाया समझो कि तुम्हारा फेयरवेल है और फेयरवेल के तुम होस्ट अब तुम पूरे प्लान कर रहे हो कि पहले कैसे स्वागतम हम आपका करते यहाँ हम सभी भाई बहन पढ़ते यहाँ मतलब इस तरह से वेलकम नोट से वोट ऑफ थैंक्स

समझ में आ रहा है अब आगे एक्सपांशन ऑफ आइडिया ऑफ़ आइडिया, आइडिया कि किसी को एक्सपांड करना किसी आइडिया को यानी कोई एक आइडिया दिया है कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ओके, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कोई एक आइडिया दे दिया या कोई आइडिया दे दिया कि मुलगी शिकली प्रगति झाली जैसे होता है ना

कि भाई रिक्शा के पीछे क्या लिख के जा रहे हो तुमको ये शोभा देता है हाँ महाराष्ट्र मुंबई में रहके ऐसे करते हो बोला क्या हुआ साहेब बोला इधर आप पीछे क्या लिख के रखा है मुलगी विकली प्रगति जाली क्या लिख के रखा है ओके इस तरह से लिखा था इस तरह से मुलगी विकली प्रगति जाली बोलता साहब ये विकली नहीं है ये शिकली है ये ऐसे था शिकली है वो हमारा यहाँ धोते धोते मिट गया है आपको विकली दिख रहा है

ये हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं प्रोज एंड कॉन्स होते हैं वो सब लिखना चाहिए थोड़ा सा प्रोफेशनल लिखना पड़ता है और यहीं पे हम मार खा जाते हैं इंग्लिश तो पी गई है मेरे खो पड़ी के खून को है ना यही तो आता नहीं है तो ठीक है हम कुछ ऐसा करेंगे हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो ईजी हो और जहाँ जोधन हो दो दिमाग ना लगाना पड़े चल आ जा स्पीच तुझे तो पता है कि सर बचपन से मैं बहुत भाषण देता था बहुत भाषण मेरे दोस्त लोग को भी एरिया में बहुत भाषण देता बाइक पे बैठे रहते दो जन मई खड़ा होता मई बोलता तो किसकी बोलती नहीं चलती मई बोलता तो बस वही काम इधर करना तो स्पीच राइटिंग में आना भाषण देना भाषण सर स्पीच में कुछ गड़बड़ हो गया तो अरे स्पीच में कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता रे अपने मन की बातें बोलनी होती है स्पीच कोई एक टॉपिक दिया तो भाषण दे दे समझ में आ रहा है तू जो बोलेगा वो सही है थोड़ा सा ध्यान रखने का कुछ ऑड वर्ड या गलत चीजें नहीं बोलने का पॉजिटिव बोलने का कभी भी निगेटिव नहीं बोलने का कि ये होना चाहिए गलत चीजों के बारे में सब नहीं पॉजिटिव चीजें बोलने का समझ में आ रहा है yes. यस तो आज अभी लग, इन तीनों में हमारी चिड़िया की आंख है स्पीच राइटिंग तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं स्पीच ही लिखने वाला हूं तो एक्सपांशन ऑफ आइडियाज और कंपेयरिंग में अपना टाइम मत वेस्ट करूं

कोई एक करना तीनों तो करना नहीं है तो आप अपनी पूरी एनर्जी तीनों में क्यों घला रहे हो कि तीनों की तैयारी करो एक ही करो पहली बात अब एक ही करो अब चार मार्क का है तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर मुझे बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं भी लिखने आती प्रोफेशनल तरीके से नॉर्मल इंग्लिश भी लिख दू तो मुझे चार में से कम से कम तीन मिल जाए साढ़े तीन मिल जाए समझ में आ रहा है या ढाई मिल जाए कुछ नहीं आता दो तो मिल जाए तो वो हिसाब से मैं बता रहा हूं भाई अगर तू बहुत अच्छा इंग्लिश तुझे आती है एंड यू आर वेरी कॉन्वेंट स्टूडेंट

तो जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं जमता देशी जमता उनके लिए बता रहा हूँ देशी बोले तो दारू समझा क्या रे? देशी बोले तो अपनी बोली भाषा रे अरे माए बोली मराठी भाषा हिंदी भाषा भोजपुरी भाषा गुजराती मारवाड़ी भाषा रे अरे बाबा कुछ भी समझता है सो स्पीच राइटिंग में किसके लिए बता रहा हूँ समझ गए जो परफेक्ट इंग्लिश के नॉलेज रखने वाले वो अपने हिसाब से जो करना करो बट जिसको तकलीफ होती है इंग्लिश में उनके लिए तो भाई आजा पहले स्पीच राइटिंग लिखते हैं स्पीच कैसे लिखने का

तो चलेगा अरे मैं एग्जाम में देखता है ना कुछ बच्चे क्या करते मालूम है ऐसा करते हैं समझो ये अपना पेपर है ओके एक मिनट हाँ अरे मैं देखता हूँ एग्जाम में मैं जब भी सुपरविजन करता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आए मैं बहुत बार सुपरवाइजिंग करता हूँ एग्जाम में इन्विगलेटर के रूप में बहुत बार मैं आ, जो है आ, अब मैं कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती नहीं बता सकता चलो ठीक है बोर्ड पेपर को सेंटर से जब भी मैं सुपरवाइजिंग करता हूँ देखता हूं बच्चा ऐसे मार्जिन डालता है और यहां का जो मार्जिन है वो यहां डालता है और इधर लिखता है इतने में ऐसा लिखता है बच्चा बोलता है सर पूरा एक पेज लिख के आया पूरा एक पेज लिख के आया रे मैं बोला था पौना पेज या तो एक पेज लिखने का थ्री फोर्थ या तो बोलता अभी ये ये क्या किया इधर ये मार्जिन इतना क्यों डाला ऐसा नहीं करने का जो भी लोग करते हैं ऐसे मत करना टीचर को बहुत गुस्सा आते हैं मार्क्स काट लेते हैं तुमको मजा आता रहेगा सर मेरे को बोला था ना एक पेज भरने का मेरा जुगाड़े हो मैं एक पेज भरा ना मार्क्स दे दो अरे टीचर को गुस्सा आता है हम लोग को चेक कर दे दो पेपर चेक करते हो बहुत गुस्सा आता है मैं उसको पूरा मार्क्स कभी नहीं देता सो यू शुड इफ यूर ड्रॉइंग मार्जिन देन कीप स्मॉल मार्जिन और उसके लिए भी आइडिया देता हूँ जो ये जो हमारी लाइन्स होती है ना वो यहां तक होती है ये लाइन बोर्ड के पेपर में आपको जो लाइन है ना यहां तक रहती है और यहाँ कुछ ब्लैंक रहता है तो आप ये को करके मार्जिन कर दो समझ में आ रहा है और पूरा लिखने का पेपर भर के ओके इतना पेज भरा उसका मार्क्स नहीं होता है एग्जैक्ट जो चाहिए वो लिखा है कि नहीं उसका मार्क्स होता है बात को समझ मेरे बात को समझ मेरे दोस्त अब देख स्पीच राइटिंग है यहां पर स्पीच राइटिंग सौ वर्ड में बोल रहा हूं पावना पेज लिखेगा यानी ये पूरा पेज है समझो तो फुल पेज भी लिख सकते हैं आधे से थोड़ा ज्यादा लिखने का कम से कम कम ही कम या कुछ बोलेगा मेरा सर तो एक पेज बोला अरे लिख ना बाबा जितना जमता लिख और कॉमन भाषा लिखेगा चलेगा टेंशन मत ले और जो भी है एकदम मतलब कि अच्छे से स्पीच लिखना जैसा भी स्पीच में भी कुछ आ, ये होता है स्पीच हम समझो कि आपको बोला कि आपके स्कूल में या जूनियर कॉलेज में आपके स्पीच देना ऑन द ओकेजन ऑफ समझो कोई डे आ रहा डे आ रहा तो आप कैसे बोलोगे कि विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल आवर टीचर्स आवर प्रिंसिपल और समझो कि कोई कॉम्पिटिशन है तो जजेस बैठे ऑल आवर जजेस एंड माई डियर ऑल स्टूडेंट फ्रेंड ऐसे करके स्टार्ट करते हैं ना हम लोग तो वो दो लाइन याद कर लेने का बस ये तो हमेशा बोलता था ओके उसके बाद अपनी स्पीच चालू करने का तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको शुरू अच्छे से करना है और आपको जो भी टॉपिक दिया उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है ओके इस तरह से

भाषण देने का भाषण प्रतियोगिता जो देगा झूठ भाषण ना मिलेगा उसे राशन तो द रोटरी क्लब ऑफ योर टाउन का है ओके। और वाटर, पानी बचाओ जीवन बचाओ यानी सेव वॉटर सेव लाइफ ओके जल बचाओ इसके ऊपर तो स्पीच देना है अब यहां पर कुछ पॉइंट्स भी क्वेश्चन में दे रहे हैं यूज ऑफ वाटर प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट सूखा जो होता है ना मतलब पानी की कमी हो जाती है ड्रॉट ओके और पानी का यूज कैसे करना चाहिए लोग कैसे करते हैं ओके अगर सूखा पड़ गया पानी की कमी हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएंगे जो भी प्रॉब्लम आएंगे उनके सोल्यूशन क्या है तो ये जो तीन पॉइंट दिया ना बस इसका हेल्प ले लें अब तुझे तो ये कॉमन चीजें पता है ना पानी पानी ओके तो बचपन से पानी यूज करा है, पानी के बिना कोई काम नहीं होता ना पी सकते ना धो सकते तो पानी बहुत जिंदगी में इंपॉर्टेंट है बचपन से तुझे पता है तो अब पानी का यूज क्या है पानी का लोग कैसे गैरवापर करते हैं मिसयूज करते हैं अगर पानी की कमी हो गई तो क्या प्रॉब्लम आएगा और सॉल्यूशन तो इससे रिलेटेड तीन तीन पैराग्राफ पैराग्राफ तो बना सकता है और स्टार्टिंग का पैराग्राफ भी मस्त रहेगा हैं रहेगा कंपटीशन में टूडे आई विल आई वॉन्ट टू स्पीक अबाउट द सेवर सेव लाइफ ऐसे करके लिखेगा बस गया खत्म समझ गया ना ओके

बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एंड टुडे ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स ऑन वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ दैट इज लाइफ दैट इज वाटर तो ये क्या हो गया अपना इंट्रोडक्शन हो गया इसका वन मार्क है इसका वन मार्क है और टू मार्क मेन कंटेंट का है और वन मार्क प्रॉपर पैटर्न या फॉर्मेट का है यस yes, एकदम एकदम अब यहाँ वाटर के बाद में वाटर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था ऐसे लाइफ है पानी के बिना हम रह नहीं सकते जी नहीं सकते बट हमारे कंट्री के अंदर बहुत सी जगह पे ड्रॉट है सूखा है वहाँ पानी की कमी हो गए एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर वगैरह है तो उसके प्रॉब्लम बताओ बाद में उसका फिर पैराग्राफ चेंज करके सोल्यूशन बताओ बस आपका आधा पौना पेज भर गया खत्म तो कितना ईजी है स्पीच लिखने आया तो लिखने का वन मार्क तो तू अपना इंट्रोडक्शन याद ही करके रख ओके Respected judges, all my teachers, principal, अपनी मर्जी से जबरी नहीं मैंने लिखने वाला है क्या क्या चीजें मतलब बताया कि कोई इवेंट है उसको होस्ट करना है मत कर एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज अगर तुझे जमता है तो कर तो स्पीच राइटिंग अब बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है एक घंटे हो चुके हैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड में लूंगा ओके कंपेयरिंग यानी क्या है यहां पर कंपेयरिंग के बारे में तुम्हें थोड़ा बताता हूं <coughs> एकदम एकदम ध्यान से ओके okay, अभी इंडिपेंडेंस डे आपके कॉलेज में मनाया जा रहा है इमेजिन करो कि आपके कॉलेज में इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और एक स्क्रिप्ट आपको लिखनी है और इस पॉइंट का यूज करो कि आप इंट्रोडक्शन कैसे करोगे वेलकम कैसे करोगे स्पीच कैसे दोगे वेलकम स्पीच ओके जो प्रोग्राम है वो कैसे होगा गेस्ट का स्वागत कैसे करोगे फ्लैग होस्टिंग कौन करेगा नेशनल एंथम कैसे होगा कब होगा प्लेज प्रार्थना जो भी है प्रिंसिपल्स की स्पीच होगी सॉन्ग कुछ गीत गाया जाएंगे ओके वोट ऑफ थैंक्स होगा तो इसकी प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी है तो ये पूरा क्वेश्चन था ये पॉइंटर दिए थे तो अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ओके कंपेयरिंग एंड होस्टिंग ये भी उसी जैसा ही है स्पीच जैसा है बट यहां पर ये जो पॉइंटर दिए हैं उसकी प्लानिंग आप लिखोगे कि कैसे मैं करने वाला हूं पहले इंट्रोडक्शन एंड वेलकम स्की कैसे होगा उसके बारे में एक पैराग्राफ लिख दिया कि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम शीतल प्रभु एंड आई वेलकम फॉर एवरीपेंडेंट फंक्शन कि आप प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करें सबको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आप सबका वेलकम कर रहे हैं तो यहाँ क्या होता है तो थोड़ा ज्यादा लिखना एक्सपेक्टेड होता है आप थोड़ा ज्यादा लिखना है एक्सपेड एक पेज के करीब और प्रॉपर लिखना होता है समझ में आ रहा है तो ये आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो मैंने मेरा मत दे दिया है कि भाई स्पीच लिखना ज्यादा बेटर है दूसरा एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज यहाँ पे कुछ ज्यादा दिया नहीं होता है यहाँ चार मार्क का क्वेश्चन है जो आइडिया है उसको एक्सपांड करने का दो मार्क है इंट्रोडक्शन का वन मार्क है कंक्लूजन का वन मार्क है टोटल चार मार्क है अब जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूँ एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज क्वेश्चन देना चाहता हूँ एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज में हाँ यहाँ पर है कि चलो एक डाउरी आपको सिर्फ एक टॉपिक दे दिया डाउरी डाउरी क्या है दहेज दहेज सोशल एविल. ओके, जो एक की दुष्प्रता है कि जो दहेज लेना और देना पाप होता है तो इसके ऊपर है ना एक हमको बोला कि एक्सपेंशन कुछ भी नहीं दिया है। इसके पीछे कुछ पॉइंट तो दिए थे कि भाई वोट ऑफ थैंक्स करो वेलकम करो वगैरह इसमें कुछ भी नहीं दिया अगर तुम्हें अच्छे से आता तो करो नहीं तो इसको छोड़ दो ठीक है तो यहां पर मैंने क्या बताया स्पीच राइटिंग अच्छे से कर देना तू जो बोलेगा वो सही है अपने हिसाब से भाषण दे देना स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन याद कर लेना ओके और वही इंट्रोडक्शन छेप देना कभी कभी क्या होता है कि हमारी शुरुआत ही हमको नहीं मिलती इंग्लिश का क्वेश्चन लिखना है ऐसे लिखना है या कुछ लिखना शुरू कैसे करूं वही पता नहीं चलता तो यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको छोड़ना नहीं है और अभी कोई लेक्चर से कोई कोई चलेगा क्यों गए भाई कोई जाएगा नहीं चलो फोर डी आ गए बारह मार्क पक्के हुए आखिर अभी चार मार्क के राइटिंग स्किल खत्म हो रहा है अब यहां पर रिव्यू ब्लॉग राइटिंग और अपील ये तीन चीजें तो पर देख चिड़िया की आख्या है या तो तू तो रिव्यू कर या अपील कर अपील बहुत अच्छा होता है अपील बहुत अच्छा होता है कि किसी चीज के लिए हम अपील कर रहे हैं रिव्यू मतलब क्या होता है यहां पर एक फिल्म का रिव्यू करना होगा कोई एक मूवी है जो तूने देखी है पावन खिंड हो गया जैसे महाराष्ट्र का अपना जबरदस्त मूवी अगर वो देखा है तो उसको रिव्यू कर या तो समझो कि पुष्पा मूवी देख ली है तूने वो रिव्यू कर या तो कोई अः कोई भी मूवी तूने देखी है एटी टू मूवी देखी या पिछली लेटेस्ट में जो भी तुमने मूवी देखा तुम बोलेगा मैंने सर बारहवीं को ऐसे छह महीने से मूवी नहीं देखी मैंने तो पदमावती देखी थी काफी पहले पदमावती उसको रिव्यू कर दे जो तू बोलेगा मैंने झांसी की रानी उसको कर दे जो भी आए तो अब रिव्यू यहां पर रिव्यू मतलब क्या फिल्म है फिल्म रिव्यू है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है अब तीनों में से एक ही करना है या तो ब्लॉग लिख या अपील कर या रिव्यू तो मैं यहां पर तुमको दो ऑप्शन दूंगा या तो एक रिव्यू लिखो या अपील लिखो लेकिन अपील का टॉपिक फिक्स नहीं है कोई जाओ मत है कोई जाओ मत गंगू भाई लिख रहे हैं देखो तो डालो तो जरा चैट में मैं भी पढ़ू कौन कौन सी मूवी है एटी टू गंगू भाई नोवेल एटी थ्री अच्छा एटी थ्री मिशन मंगल पुष्पा सनी लियोनी अरे पगले ए भाई ये बॉलीवुड वो, हॉलीवुड की मूवी लिखना तू एकदम ब्लू फिल्म का नाम लिख दे रहा है दत पगले आशराट का लिख सकता है बाहुबली लिख सकता है सनी लिहोनी को बड़ा याद करते रहे तुम लोग उसके बिना तुम्हारा दिन नहीं गुजरता क्या दत पगले हमारे बॉलीवुड में वो सिर्फ एक एक्ट्रेस है जो पोर्न मूवी से बॉलीवुड में आई हुई है ओके लेकिन उसे बड़ा सम्मान दिया जाता है मुझे कहीं कही ना कहीं लगता है कि अपने महाराष्ट्र देश के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे सिंधुताई सतपाल हो गई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अनाथों के लिए या गरीबों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है जिनको अभी भी ना पहचान नहीं मिली है उनको पहचान मिली चाहिए उनको रेस्पेक्ट वहां राखी सावंत को रेस्पेक्ट मिल रही है ठीक है चलो जाने दो सब छोड़ो फिल्म का रिव्यू यहां पर एक मुद्दा क्या चलो ब्लॉग राइटिंग छोड़ दो आप लिखना तो ब्लॉग राइटिंग आपने अच्छे से तैयार किया तो करो आप अगर चाहे तो अपील कर सकते हो बट अपील का टॉपिक जो है एग्जाम में आएगा उसी पर अपील करना लेकिन रिव्यू आपको कोई मूवी का नाम नहीं देगा आपको बोलेगा कि भैया तुमने जो एक मूवी देखी थी उसी मूवी के ऊपर आप रिव्यू लिख दो उसी मूवी तो आप यूट्यूब पे अगर डालोगे कोई भी मूवी का रिव्यू तो बहुत सारे चैनल है ना जिसपे रिव्यू देते हैं कुछ लोग फिल्म रिव्यू करते हैं देखो वो कैसे रिव्यू करते हैं तो आप क्या करो कि मैं आपको ना पीडीएफ देने वाला आज कुछ मूवीज के दो चार कोई भी मूवी एक या दो मूवी कोई भी उसका जो है पढ़ लो कुछ चीजें याद कर लो और वही चेप देने का यानी लिख देने का एग्जाम तो ये बड़ी इजी चीज है ना भाई जो तुमको मूवी चाहिए तो कोई भी मूवी याद कर लो बस चलो आगे देखते हैं एनी वन करना होता है याद रखो कुछ बच्चे सब पढ़ते रहते यार पता नहीं क्या गधा मजूरी करते रहते अरे थोड़ा दिमाग तो चला तीन में से एक ही कर रहे ना कोई एक ही अच्छे से पढ़ के जा सब मत कर यस ये चलो आ जाओ सब लोग अपने अपने पिक्चर के नाम दे रहे ओके अभी यहां पर देखो यहां पर क्या क्या कवर होना चाहिए आपके रिव्यू में कि भाई जो कैरेक्ट मूवी का नाम फिर कैरेक्टर का नाम मेन रोल सपोर्टिंग रोल्स के नाम ओके okay, स्टोरी कैसी है उसका थीम कैसा है स्पेशल फीचर क्या है ओके okay, उसमें नोवल आइडियाज क्या है म्यूजिक डांस कैसा है उधर का ओके okay, तुमको क्यों पसंद आया है क्यों पसंद नहीं आया ओके okay, क्या दूसरों को ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए अब तुम कोई भी मूवी है तो उसके कैरेक्टर तो पहचानते ही हो ना जैसे पुष्पा है अल्लू अर्जुन है चलो उसका ही लेते हैं

फिर अबाउट स्टोरी थीम ऑफ स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन जो भी हमारा सैंडल वुड होता है उसकी तस्करी के ऊपर है ओके स्मगलिंग ऑफ़ सैंडल वुड और भी एक दो लाइन लिख सकता है मूवी का जो कंसेप्ट बता सकता है कितना अलग है वगैरह या म्यूजिक कैसे दिया उ, मावा, उ, 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 गाने बहुत सुनते हो तुम लोग अच्छा तेरी नजर

या नहीं देखना नो वन शुड वॉच दिस दिस मूवी मूवी बिकॉज इज नॉट सो गुड एंड ऐसे लिख सकते हो तो ये आपके ऊपर है आप जो लिखोगे सही रहेगा मूवी का रिव्यू अब हो सकता है ना जैसे मैंने कल गंगू बाई का बताया था या गहराइयाँ का बताया था अब एक लड़का देखा हुआ आज ब्लू है पानी, पानी 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 और दिल है सानी 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 गहराइयाँ देख के आया और पानी का सीन देख के कुछ है बड़ी अच्छी मूवी है और दूसरा जो है दीपिका का फैन था रणवीर के लिए रो रहा है तो है कि नहीं तो हो सकता है किसी को मूवी अच्छी है किसी को मूवी अच्छी नहीं लगी तो आप यहाँ जो भी आंसर लिखोगे वो चलेगा जो भी आंसर आप लिखोगे वो चलेगा वो सही माना जाएगा उसको मार्क्स दिया जाएगा लेकिन सर एग्जेक्टली exactly मैं क्या करूं एग्जाम में कोई पर्टिकुलर मूवी पूछ देगा कि भाई यही मूवी का चाहिए नहीं आप घर से ही एक मूवी का रिव्यू तैयार करके जाओ समझ एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए चलो तो मैं यहां पर एक पदमावत मूवी का रिव्यू दे रहा हूं ओके और ये भी थोड़ा सा क्या है बुकिश लैंग्वेज है बट आप क्या कर सकते हो इसको ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो अब फिर से बता रहा ओन लैंग्वेज मतलब कि मराठी कुंगणी या विदर्भ का या मालवनी या जो भी ईरानी भाषा या गुजराती मारवाड़ी भोजपुरी में नहीं लिखने का या ओन लैंग्वेज मतलब आप जैसे इंग्लिश बोलते हो नॉर्मल इंग्लिश वो इंग्लिश में खुद के ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो जरूरी नहीं कि बड़े बहुत बड़े बड़े हाईफाई वर्ड करने का जैसे यहाँ रिव्यू ऑफ द पद्म होता है कि ये जो हिस्टोरिकल मूवी है थर्टीन सेंचुरी की है क्वीन पद्मावती के ऊपर बेस्ड है ओके okay, इधर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है रतन सिंह है राजपूत है ये सब कैरेक्टर्स है एक किंगडम होता है ओके okay, तो ये सारा जो है मूवी के ऊपर तो आराम से पौना पेज से एक पेज लिखने का बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना जैसे मैंने बताया थ्री फोर्थ या तो वन पेज लिखने का तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा आपको बता देता हूँ कि भाई तुम कोई एक मूवी मैं आपको और भी कुछ मूवी के पीडीएफ देता हूं तो उसका रिव्यू एक का याद करके लिख देना तेरे चार मार्क पक्के याद कैसे करेंगे इतना बड़ा याद मत करे पढ़ के जाना कैरेक्टर्स वगैरह के नाम याद कर ले वो तो तूने मूवी देखा है तो सब याद ही रहता रे तो वो खाली देख के जा चार मार्क तेरे पक्के और तू ज्यादा ब्लॉग राइटिंग पे मत जा अपील का क्वेश्चन बताता हूं ये ब्लॉग का कैसा होता है देख तो ले खाली ओके तो ये रिव्यू हो गया देख ब्लॉग राइटिंग क्या होता है कि ब्लॉग लिखना होता है जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देता बेटा देख जैसे कि एक ब्लॉग इन मीन फॉर ब्रेकिंग जो नियम है तोड़ने के लिए होते हैं जैसे लोग हेलमेट नहीं पकड़ पहनते बोला तो ब्लॉग लिखो तो तुम वही लिखोगे रूल्स आर मीन फॉर ब्रेकिंग और खुद के विचार लिखोगे कि यार इंडियंस होते हैं वी आर इंडियंस वी डोंट फॉलो जहां लिखना है यहाँ थूकना मना है वहीं थूकते हैं समझ रहे हो जहाँ लिखा है मतलब लोगों को समझ में आता है कि यहाँ अच्छा मतलब यहाँ ये यह करना है तो वही कर हैं तो ऐसी जगह पर दिवाले पे लोग आजकल भगवान के फोटो लगा देते हैं फिर लिखते हैं यहाँ ना मना है समझ रहे बात को समझो जरा इशारे समझो यार तो यार अपना इंडिया होता है यार तो उसके बारे में देखो तो कितना सारा लिखना था अब यहाँ पर आपके विचारों को थोपना है अब ये विचारों को थोपने में यार कुछ आइडिया तो आने चाहिए मैं क्या लिखूं कैसे लिखू लेकिन मूवी का रिव्यू करने मन ना मूवी बड़ी अच्छी लगती है भाई इतिहास का पार्ट याद नहीं हो भूगोल नहीं समझ में आए फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आए अकाउंट नहीं समझ में मूवी तो अब भी बताएगा तीन घंटे की अपील क्या होता है लिख सकते हो अगर आपको तो नहीं लिखना है तो जैसे यहाँ पर देखो अपील करना जैसे कि क्वेश्चन देता हूँ मैं यहाँ पर कि आई डोनेशन आपको अपील करना कि भाई सभी लोग नेत्रदान करो जैसे ऐश्वर्या राय ने अपने नेत्रदान करके रखे हैं वो जिंदा है जिस दिन मरेगी उस दिन जो भी आई क्लब वाले होते हैं वो लेके जाएंगे तो इस तरह से बहुत से लोगों ने अपने पहले से नेत्रदान करके रखे फ्यूचर में मैं भी ट्राई करूंगा ये सब करने का फिलहाल तो आपको पढ़ाना चाहता हूं उस पर फोकस है यस तो अब ये एक टॉपिक दे दिया और हमको बोला कि कि पब्लिक से अपील करो सभी लोग आई डोनेशन करें हो सकता है कि ब्लड डोनेशन का अपील करने आ जाए हो सकता है कि क्लिनि का आ जाए यानी स्वच्छता मुहिम करने आ जाए ऐसा कुछ आ जाए ओके तो आपको क्या करना है इस तरह से एक जैसे आप मालूम है दसवीं के अंदर जाहिरत वगैरह बनाते थे आपको याद आ रहा है जाहिरत बनाते थे विज्ञापन बनाते थे एडवर्टाइजमेंट बनाते थे वैसा एक आपको अपील लेटर बनाना है देखो यहाँ पर आंख का दो डिजाइन बना दिया यहाँ पर गिफ्ट गिफ्ट योर आईज लाइफ ओके और कुछ लिख दिए फिर यहाँ लिखा एटलीस्ट टू पर्सन विल बी एबल टू सी फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ तुम्हारी दो आंखें दो लोगों को जीवन भर का जो है देखने का मौका दे सकती हैं ओके okay, आप चले जाओगे लेकिन आपकी आंखें रह के दुनिया देखेंगी ऐसे कुछ लाइन लेके फिर लास्ट में अपील करने का प्लीज अटेंड द आई डोनेशन अवेयरनेस सेमिनार ऑन कॉलेज ग्राउंड इस तारीख को इतने बजे तो यार ये होता है समझो अपील कि आपको एक अपील करना है लोगों से एक पेम्पलेट बनाना होगा जायदाद बनाना होगा तो ये भी अगर आपको इंटरेस्ट है आपको डिजाइनिंग क्रिएटिविटी अच्छी लगती है तो आप ये कर सकते हो कुछ स्लोगन्स वगैरह लिख के अपने दिमाग से जो समझ में लिखो तो इस पे भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं तो या तो ये लिखो या फिल्म बट यहाँ पे क्या है टॉपिक चेंज होगा

क्वेश्चन तीन, तीन, तीन. तो में में तो से बारह तो आ गया और कहीं आधा भी मिला होगा तो साढ़े बारह तो आप लोग डरते हो कि यार मेरे मार्क्स मैं बताता हूँ हम लोगों को क्या बोला गया पेपर चेक करने के लिए फिलहाल तो मैं मैथ्स के पेपर चेक करता हूँ आपको जनरली मेरे जो कलीग्स हैं जो इंग्लिश वगैरह चेक करते हैं और हमारी जो मीटिंग्स होती है मॉडरेटर्स के साथ एग्जामिनर्स के साथ जरा पानी दीजिए मैडम ए यार तुम लोग भाग मत जाओ यार देखो मैं एक सेकंड भी सांस नहीं ले रहा हूं मैं नहीं चाहता कि मैं आपका एक सेकंड भी वेस्ट करूं तो भागो मत कोई जाओ मत रे क्या ऐसा लेक्चर कभी आज तक मिला है नहीं मिला होगा अरे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी चीजें अब नॉवेल स्टार्ट हो रहा है तो जाओ मत मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ <coughs> चाय मंगा लीजिए जरा सो so, सभी को बता दूं यार कि हम लोगों को मॉडरेटर्स को जो बताया जाता है फिर मॉडरेटर्स और एग्जामिनर्स की मीटिंग होती है तो ये बताया जाता है देखो दो टाइप से पेपर चेक होता है आज मैं आपको पेपर चेक करने का तरीका बताता हूँ कि हम लोग जब पेपर चेक करते हैं ना तो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हैं कि जो स्टूडेंट ने पेपर कैसा लिखा है अगर स्टूडेंट ने बहुत ही परफेक्ट पेपर लिखा है आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं तो हम बड़ी बारीकी से चेक करने के ऑर्डर देते हैं कि पेपर को बारीकी से चेक किया जाए अगर उसने छोटी छोटी गलतियां की है तो उसमें मार्क्स काटे जाए तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो कि आप अगर पूरा सही लिख रहे हो और आउट ऑफ का एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऐसे में आपको बड़ा केयरफुल रहना है लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 80 में से 30 या 40 मार्क्स ला रहे हैं कैसे कैसे 25 30 तक तो पहुंच रहे हैं रिटर्न में ओरल में 20 में से 18 मिलेगा और ऐसे 100 में से 50 60 आगे वैसे अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आपको कि 80 में से कैसे भी 30 40 तक आप पहुंच रहे हो आपने बहुत अच्छे से पेपर नहीं लिखा है और टीचर समझ जाता है पहला दूसरा क्वेश्चन मतलब हम लोगों को कैसे होता है कि स्टार्टिंग का उसका लिखने का तरीका हैंडराइटिंग आंसर लिखने का पैटर्न प्रेजेंटेशन उससे ही समझ में आता है कि ये बच्चा किस कैटेगरी का और हम लोग की एक माइंड सेट हो जाती है जैसे मैं पेपर चेक करता हूँ तो माइंड सेट हो जाता है कि ये पेपर लाइटली चेक करना है कि स्ट्रिक्टली चेक करना है देखो हम लोग को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं कि पेपर कैसा चेक करना चाहिए ओके ये हमारे ऊपर होता है और ये क्या होता है मेंटेलिटी होती है कि आ, हम पहले ही प्रेजेंटेशन देख के हम मन बना लेते हैं कि भाई ये लग रहा है टॉपर है इसका जरा ध्यान से चेक करना है फिर लगता है अरे यार ये कितना गलतियां कर रहा है यार कितने स्पेलिंग मिस्टेक है और धड़ सही से लिख नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं कि उसको जो है कोशिश करते कि सब चीजें गलत है जीरो आ रहा है कुछ सही नहीं है तो भी आप मार्क दे दो एक मार्क दे रे देवा याला पूरे ढकल या ला हाँ एक बार, एक बार पेपर पलट देते कुछ चीजें चेक करते फिर अगर मुझे लगा यार इसको तो दस मार्क भी नहीं आ रहे तो फिर कोशिश करते कि इसने कहीं कुछ लिखा है क्या, क्या? क्योंकि ओरल में अगर अठारह उन्नीस तो मिला ही रहता है सबको इसको और सत्रह अठारह मार्क्स की जरूरत है फिर इसको दस ग्यारह मार्क्स ही आ रहे हैं पांच छह मार्क्स और देना मतलब एक टारगेट होता है चेक पेपर चेकर ना कि तो तो पहुंचाए ना तो फिर वापस एक बार देखा जाता कि क्या? इसको 14, 15 3, रहे है तीन चार मार्क्स नहीं बढ़ रहेगा आधा आधा करके ऐसे करके एक मार्क करके दिया जाता है देखो जो एग्जामिनर पेपर चेकर अच्छे होते हैं अच्छा सोचते हैं हमारे बच्चे लेकिन जब आप लिखे ही नहीं रहोगे तो क्या होगा मतलब समझ रहे हो लिखना इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्या बोलता है बच्चे ने लिखा ना उसने अपना एप्लीकेशन लगाया ना हमारा एग्जाम लेने का मकसद क्या है कि बच्चे का नॉलेज चेक करना बच्चे बच्चे को इंग्लिश कितना आता है नॉलेज चेक करो क्या वो अपने विचारों को इंग्लिश में लिख पा रहा है कि नहीं वो चेक करो एकदम हाई लेवल इंग्लिश नहीं है लो लेवल है मीडियम लेवल है चलेगा उसने लिखा ना उसको मार्क्स दो नहीं लिखा खाली छोड़ा तो जीरो दे दो कुछ भी लिखा है रिलेटेड है हाफ मार्क एक मार्क दे दो तो ये अंदर की बातें हैं समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो इस तरह की सीनेरियो है आप जरा भी मत डरो आपको आधा घंटा ज्यादा मिला है समझ में आ रहा है तो यस तो अब ये आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नोवेल्स के ऊपर अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतनी सारी चीजें आपने बताई तो यहां पर मैं आपको चाहूंगा कि सबका पीडीएफ बताने और फिर नोवेल्स को बहुत अच्छे से करना मैं पानी पी चुका हूं और अब हम जो है नोवेल्स के ऊपर जा रहे एकदम थोड़ा सा मैं लिंक लिंक कहां पर एडमिन कौन से ग्रुप पे है एक मिनट यस yes. <coughs> मैं आपके सामने एक लिंक दिखा रहा हूं सब लोग ध्यान से देखो अभी डिस्क्रिप्शन में एक हमारा लिंक है आ, लिंक का नाम है डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आशीष सर एजुकेशन अभी नोवेल पे हम जा रहे हैं भागो मत मैं रहूं तुम्हारे साथ अभी कल कयामत की दिन है कयामत की रात है देखो ये एक ब्लॉग है आशीष सर एजुकेशन डॉट कॉम ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है ओके और इसको जैसे ही क्लिक बहुत बढ़िया ब्लॉग है मेरे साथ हमारे कॉमर्स के आशीष सर ने बहुत मेहनत की आप लोग के लिए पूरा कंटेंट दे दिया इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको ये वेबसाइट खुलता है ओके okay. तो यहां पर इंग्लिश ग्रामर राइटिंग स्किल से लेके हर एक चीज का पीडीएफ अब मैं तुम्हें दिखाता हूं तुमको जो भी चाहिए और ए, देखो कभी कभी क्या होता है कुछ जो पीडीएफ होते हैं ना उसके अंदर बहुत हाई लैंग्वेज होता है हाई लेवल लैंग्वेज पर यहां पर आपको जो भी चीजें मैं दिखा रहा हूँ देखो यहाँ पर है एप्रिसिएशन ऑफ ऑल पोयम चार मार्क का जो एप्रिसिएशन है एक मिनट बेटा एकदम ध्यान से देखो मैं आपको बता रहा बच्चे कल मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो पीडीएफ बता रहे है, वो है नहीं कहा है तो यहां पर एप्रिसिएशन जितने भी पोएम है उसका इसको डाउनलोड पे क्लिक करो सारे के सारे एप्रिसिएशन आपको दिखाई दे जाएंगे थोड़ा जूम कर देता हूं ओके एक मिनट ओके तो ये तो आप बोल रहे थे ना चीज सर कौन से एप्लीके अच्छा एप्रिसिएशन में कुछ बच्चे बोलते हैं कि कुछ सर हम ऑप्शन में छोड़ के एक दो पोएम जा सकते हैं क्या ऐसा मत करो हो सकता है उसी पोयम का एप्रिसिएशन करने आ गया तो क्या करोगे बाकी के चार पढ़ के भी क्या मतलब तो ये डाउनलोड आप करोगे ऐसे देखो मैं बता देता हूं तो आपको ना हैंड रिटन फॉर्म में सिंपल भाषा में जैसे में बोला ना कि अपना इंग्लिश ओके इंग्लिश में आपको हैंड रिटन में जैसे सॉन्ग ऑफ द ओपन इसका जो है आ, बड़ी मेहनत से सर ने जो है अपने हैंडराइटिंग में अच्छे से लिखा हुआ है और आपके लिए तो ये पढ़ लेना समझ में अगर आपके पास अभी भी कोई पी नहीं है तो एकदम देख बेटा एकदम प्यार मोहब्बत से देखो अभी आप ट्वेंटी वन देखते हैं या गाइड देखते हैं तो वहां पे ना बहुत हाई लेवल लिखा रहता है तो ये एक हो गया एकदम ध्यान से सुन तेरा पूरा काम आसान कर रहा हूं फिगर ऑफ स्पीच आप बोल रहे थे दो मार्क का आएगा डाउनलोड कर एकदम हैंड रिटन फॉर्म में सारे फिगर ऑफ स्पीच देख कहीं भी जाएगा ना तो फिगर ऑफ स्पीच का नोट बहुत बड़ा बड़ा रहता है और बहुत सारी चीजें लिखी यहां पर शॉर्ट में शॉर्ट में रिविजन टाइप की सिमिली जैसे मैं कल बता रहा था सिमिली होता, होता है लिटरेशन होता है तो भाई सिमिली क्या होता है कि एज लाइक like या सो so यूज करके अगर दो चीजों के बीच में कंपेयर किया तो सिमिली होता है की तो बात करें क्या होता है जैसे कि ये हो गया कि तुम बैल के जैसे हो हो तो तो जैसे हो या कुत्ता like, uh, यूज like तो like हुआ तो सिमिली है दो जन को कंपेयर किया यहां पर मेटाफोर है मेटाफोर में डायरेक्ट यू आर डॉग लाइक वीक ने दो जन को कंपेयर कर दिया तो यहां पर क्या होता है कि इस तरह से होता है कि यू आर क्वीन अब तुम अपनी अगली को बोल रहे हो कि यू आर क्वीन मेरे लिए तो तू ही रानी है ओके okay? तेरे साथ ही मुझे जिंदगी सजानी है और तू ही तो मेरी रानी है अच्छा पहले पढ़ाई उड़ाई कर अच्छे पोजीशन पे जा बाद में उसको रानी बोल पता चले कि बाद में तू नौकरानी बना दिया उसको इधर देख तो यू आर क्वीन फॉर मी यहाँ लाइक सो ठीक है तो इस तरह चीजें होती है ऐसे एलिट्रेशन क्या होता है कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है रिपीटेशन में पूरा वर्ड रिपीट होता है एकदम शॉर्ट में देखिए इतना अच्छा नोट्स है ओके okay? नोटे पर है पर्सनिफिकेशन uh, जैसे बताया ह्यूमन क्वालिटी होना चाहिए टॉटोलॉजी हमेशा सच होना चाहिए ओके टू वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग टोटोलॉजी है लॉजिक वाला टॉटोलॉजी बोलते एंटीथेसिस होता है यहां पर जो हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट जो है इसको हाईलाइट किया है ऑनोमेटोपोइया साउंड इफेक्ट हाइपर बोले कुछ ज्यादा ही ओवर स्टेटमेंट तो देखा क्या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अब <coughs> अफीगोर स्पीच हो गया <coughs> स्पीच राइटिंग मैंने भी बताया भाषण लिखना अब आप चाहते हो कि सर दो चार टाइप के भाषण दे दो जरा है ना तो स्पीच राइटिंग यहाँ पर आप यहाँ करोगे ना चार मार्क आ जाएगा अब सब मैं क्लिक नहीं करूंगा आप करना अपील राइटिंग मैंने बताया कि अगर यहां पर हमने देखा कि अपील करने बोला था कि आंख आई डोनेशन और भी कुछ अपील राइटिंग चार मार्क के कुछ बहुत सारे पेजेस है सब मिलेगा यहाँ पर ओके इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू जैसे मैंने धीरूभाई अंबानी मुकेश अंबानी को बताया वैसे आप इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन रिफर करना कल मैंने बताया कैसे करते। तो है आपको पीडीएफ नहीं मिली थी कल बच्चे बोले अरे यार ये वर्चुअल मैसेज है ये वर्चुअल मैसेज का है देखो रिपोर्ट राइटिंग अगर किसी को लिखना है तो देख सकते छोड़ दिया तो मत देखो क्यों भाग रहा है एक मिनट है यहाँ की बोर्ड से करते अपील राइटिंग हो गया ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया ये सब डाउनलोड करना ये सब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है आशीष सर एजुकेशन डॉट कॉम ये वेबसाइट है एकदम नॉवल सोलह पूरे नोवेल की डिटेल यहां से आएगी मैं अभी नोवेल को ले रहा हूँ लेकिन उसका पीडीएफ पहले बता रहा हूं यहां से डाउनलोड पे क्लिक करना कोई जाओ मत रहे भाग रहे क्या अच्छा डाउनलोड करने गए अरे वापस आ वापस आ वर्चुअल मैसेज जो मैंने बताया था अमृता अरे ओ अमृता सुन के जाके मैसेज दे रही है यस सेप्टेम्बर का इंग्लिश का पेपर है दो का आप डाउनलोड कर सकते हो यस इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर है क्वेश्चन विद सोल्यूशन है तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर है इस वेबसाइट को आप रिफर करना डिस्क्रिप्शन में लिंक है पिन कर दो चैट में इस वेबसाइट को हम चैट में पिन कर दें बहुत जबरदस्त वेबसाइट है आप जरूर रिफर करना अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए यस yes, एकदम ध्यान से सुनो <coughs> मैं आपको अभी नोवेल पे लेके चलता हूं थोड़ा सा चाय आ गई है चाय लेते हैं नोवेल करेंगे एकदम ध्यान से सुनना है फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाओ अरे बाप रे यस आ गया स्वागत नहीं करोगे आ गए हम नोवेल लेके यस बस एक आपके सामने यू जा नहीं रहा हूं ब्रेक नहीं ले रहा हूं कोई जाओ मत ओके जाओ मत बस एक सेकंड चाय पी लेने दो तो बस वेबसाइट देखो चैट में पिन कर दी गई है वेबसाइट चैट में पिन कर दी है, उसको सेव करके ले लो चलो आई एम बैक यस एक छोटा सा दस सेकेंड बीस सेकेंड का ब्रेक था यस yes. कुछ बच्चे भाग गए वेबसाइट को देखने वेबसाइट चैट में पीने कोई बात नहीं वापस आ जाओ रे बाबा अरे जाने का नहीं रे बेटा जाने का नहीं <laughs> चलो आगे करेंगे नोवल नोवल स्टार्ट कर रहे हैं हर कठिनाइयों को पार करके अरे हर कठिनाइयों को पार करके तुझे आगे बढ़ना है समझ रहे हो समझ रहे हो हर कठिनाइयों को पार करके तुझे आगे बढ़ना है अरे बेटा रुक अरे बेटा रुक कहा जा रहा है इस चैट को छोड़ के इस लाइव सेशन को छोड़ के कहा जा रहा है बेटा हर कठिनाइयों को पार करके तुझे आगे बढ़ना है अरे बेटा रुक तुझे थोड़ा और पढ़ना है तुझे थोड़ा और पढ़ना है चलो आ जाओ बच्चों चलो कंटिन्यू करते हैं नॉवल जैसे ही ब्रेक बोला तीन चार हजार बच्चे वेबसाइट पे चले गए वापस आ जाते हैं आज हमने यार हिस्ट्री ऑफ नॉवल पढ़ने के पहले खुद ही एक हिस्ट्री बना दी है जिसके अंदर चालीस हजार से ज्यादा बयालीस हजार टॉप यू में चले गए बच्चे यार यस आ गए यस आ गए वेरी नाइस हिस्ट्री ऑफ नॉवल स्टार्ट करते हैं हमने महाराष्ट्र में बना दी हिस्ट्री अब पढ़ते हैं नोवेल की हिस्ट्री अब नोवेल क्या होता है बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये नोवेल नोवेल क्या है ये नोवेल नोवेल ये नोवेल क्या है नोवेल सुना तो बहुत बार है कि लास्ट के सोलह मार्क के जो क्वेश्चन है ओके okay, वो नोवेल्स पे आएंगे सुना तो आपने बार बार है। लेकिन ये जो नॉवल्स हैं एक्चुअल में होते क्या हैं तो आ जाओ यहां पर समरी के साथ स्टार्ट कर दे यस अभी यहां पर आपको कुछ स्लाइड दिख रही है बहुत सारी स्लाइड दिख रही है यहां पर तो ये जो स्लाइड्स है ये स्लाइड्स हमने हमारे महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस इंग्लिश टीचर के पास से ली है उनके कंटेंट को लिया है हमने और उनको मैं आज शाउट आउट भी देना चाहूंगा बहुत मेहनत की है उन्होंने यस पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपके नोवल सेक्शन जो है उसके बारे में एकदम थोड़ा सा बेसिक से कि भाई चार आ, चार चैप्टर में एक्सरसाइज क्यों लग रहा है मैथ टीचर हूं एक्सरसाइज की आदत हो गई बेटा 4.1 4.2 4.3 4.4 ओके okay? 4.1 जो है ना ये हिस्ट्री ऑफ नॉवल है यहां से दो दो मार्क के दो क्वेश्चन यानी चार मार्क का एक क्वेश्चन आएगा जो ऑब्जेक्टिव होगा एंड जिसको आप लोगों ने यार वायरल कर दिया कल कल वायरल ही कर दिया इसको हाँ, दो का, आ, राम नाम जपना ओके चलो यस यस तो एडवोकेट फरहीन अंसारी हमारे महाराष्ट्र की इंग्लिश की सबसे बेस्ट टीचर एंड काफी सालों से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं एडवोकेट फरहीन अंसारी जो है इंग्लिश टीचर है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने को एक्सप्लेन किया है एडवोकेट फरहीन अंसारी मैडम का चैनल चैनल है उस के जरिए क्या गजब के कंटेंट आप आप को दिए हैं और आप में से बहुत से बच्चों ने इनका कंटेंट देखा भी होगा और रिफर भी किया होगा तो बहुत खुशी की बात है एंड इनके चैनल्स को मैडम चैट में चैनल का लिंक देना है डिस्क्रिप्शन में लिखना है ओके हर जगह पर मैडम के जो चैनल है उनको शाउट आउट देना है, है। okay, बारहवीं का पूरा इंग्लिश बहुत अच्छे से किया और आपने रिफर भी किया होगा बहुत से बच्चे ने बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा तो आज पता चल जाएगा तो इनकी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस बनाए हैं अब आज मैं आपके एक दिन के लिए मैं एनिमेशंस इतने नहीं बना सकता तो इनके एनिमेशन को यूज कर रहा हूँ इनको शाउट आउट देखे इनके आ, जो रिफरेंस है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा वहां जाने बट इस लेक्चर के बाद जाना अभी लेक्चर चलेगा मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा देखो 4.2 ये टू चार मार्क का आएगा 4.3 ये थ्री चार मार्क का आएगा 4.4 ये फोर या चार मार्क्स का आएगा तो टोटल हो गए 16 मार्क्स नॉवल अब ये 16 मार्क्स हम कैसे अच्छे से अपियर करें देखो बच्चों क्या होता है कि नोवल क्या होता है नॉवल को हिंदी में उपन्यास बोलते हैं ओके okay, मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा उपन्यास ओके okay, अब ये होता क्या है नोवल तो पहले जमाने में ना बच्चों पहले जमाने में बहुत सारे अलग अलग ऐसे लिखे जाते थे निबंध लिखे जाते थे एकदम ध्यान देना निबंध लिखे जाते थे ओके okay, फिर बहुत से लेटर्स लिखे जाते थे या बुक्स लिखी जाती थी जो डिस्क्रिप्टिव होती थी ओके okay, जिसमें घटनाएं लिखी जाती थी इवेंट्स लिखे जाते थे लेकिन फिर धीरे धीरे ना एक चलन चला नोवेल नोवेल का यानी क्या होता है कि एक स्टोरी होती है जो मूवी की तरह होती है अपने इंडिया के अंदर उपन्यास बहुत सारे चलते हैं ओके उपन्यास उपन्यास क्या होता है नोवेल एक का हिंदी उपन्यास. मैंने बहुत सारे हिंदी में उपन्यास पढ़े हुए हैं कि मोटी मोटी बुक्स रहती है इतनी मोटी छोटी छोटी मगर मोटी बुक रहेगी एंड वो पढ़ना चालू करोगे तो महीने भर पढ़ सकते हो या चार पांच दिन और वो जो नोवेल्स होते हैं या उपन्यास होते हैं जैसे ये बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज होती है ना साउथ की वगैरह वैसे उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को लेकर एक बहुत ही लंबी स्टोरी बनाई जाती है एक बहुत बड़ी वेब सीरीज समझ सकते हो जैसे फैमिली मैन आपने देखा होगा अमेजॉन प्राइम पे वैसी एक वेब सीरीज चल रही है और वेब सीरीज भी कैसे एक स्टोरी भी कैसे ऐसा नहीं है कि तीन घंटे में मूवी खत्म हो गई वैसे कि शॉर्ट में चीजें हो रही हैं बच्चा ऐसे दौड़ रहा लड़का लड़का उठना छोटा और अचानक से हीरो आ गया वहां पर बड़ा हो गया पूरा बीस साल की स्टोरी तीन सेकंड में बच्चा दौड़ते दौड़ते ही बड़ा हो गया वैसा नहीं यहां पर क्या होता है कि जो चीजें हैं यस चेंज करो उनको प्लेस और टाइम के हिसाब से यस बैटरी चेंज करें एकदम समझने की कोशिश करो एकदम अच्छे प्यार मोहब्बत से हम समझाएंगे आपको सारी चीजें यस टाइम कम है बोल रहे यस टाइम कम है जल्दी जल्दी करते हैं टाइम ज्यादा नहीं है जल्दी जल्दी करेंगे यस चेंज चेंज करो बैटरी चेंज कर रहे हैं यस यस yes. <laughs> तो जो कैरेक्टर्स है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आप कोई नोवेल है वो पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि हम कभी कभी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें अपने आप को देखने लगते हैं और कैरेक्टर्स में हम घुल मिल जाते हैं और वो कैरेक्टर्स कैसे और बड़ी सस्पेंस वाली होती है जो ये नोवेल्स होते हैं ना बड़े सस्पेंस वाले होते हैं बड़े सस्पेंस होते हैं और जरूरी नहीं है कि नोवेल में जो स्टोरीज है ये एक तरह से स्टोरी होती है स्टोरी को एकदम ऐसे लिखा जाता है कि हमारे सामने ऐसे मूवी चल रही है ऐसा लगता है कि एक ही दरवाजा खोला दरवाजा खोलने के बाद कड़कड़ करके आवाज आई उसकी आवाज भी दिखाई देती सुनाई देती है यानी इतना सीन टाइम सुबह के सात बज रहे थे ये हो रहा था सामने बिस्तर पे जो है ये हो रहा था या वो हो रहा था या जो भी है तभी गुंडे ने अचानक पीछे से वार किया तो मतलब पूरा ऐसा लगता है कि हम कोई सीन देख रहे हैं तो ये नॉवेल हो गया अब जो नॉवेल्स हैं यहां पर जो पहला चैप्टर है फोर पॉइंट वन तो यहां पर देखो ये एग्जैक्टली ये जो चैप्टर है इनका कोई पैसेज आपको नहीं आएगा यहीं पर आपको मेहनत है नॉवेल्स में यहां पर जो फोर पॉइंट वन है इसमें कोई स्टोरी नहीं है बट फोर पॉइंट टू और फोर पॉइंट थ्री और फोर पॉइंट फोर ये तीनों में तीन स्टोरी है इन तीनों स्टोरी को आपको समझना है और समझ के समझ के इंटरप्रेट करना जैसे आपने कोई मूवी लेटर्स देखी है उसको कैसे याद रखते हैं बस इन तीनों को समझ के याद करना है मतलब माइंड में लेना रट्टा नहीं मानना है और मूवी समझ लिए तो यहां पर क्या होता है कि पहला जो क्वेश्चन है फोर पॉइंट वन से जो आएंगे दो क्वेश्चन तो फोर पॉइंट वन है ना हिस्ट्री ऑफ नॉवल है हिस्ट्री ऑफ नॉवल मतलब कि नॉवल लिखना कैसे शुरू हुआ कैसे 2000 साल पहले जो ब्रिटिशर्स थे वहां से ओके यूरोप वगैरह से नोवल की शुरुआत हुई कैसे पहले सिर्फ पॉलिटिकल चीजें लिखी जाती थी वगैरह सोशल चीजें फिर नोवेल लिखना शुरू हुआ फिर लोगों ने कैसे नोवेल में इंटरेस्ट लिया तो ये पहला जो पोर पॉइंट हुआ वहां पर पूरा हिस्ट्री ऑफ नॉवल्स है ना मोटी -मोटी वो कैसे इंग्लिश में अब ये इंग्लिश की हमारी बुक है तो पूरे हम इंग्लिश नोवेल की बात करेंगे हिंदी मराठी उपन्यास की बात नहीं करेंगे नोवेल्स की बात नहीं करेंगे तो कैसे वो चला आया पहले कौन लिखते थे फिर कौन फेमस थे यहाँ पर नाम भी आपको अजीबों दिखेंगे बहुत बड़े बड़े नाम दिखेंगे तो तो ये या पहला है। तो में कोई स्टोरी नहीं है इसीलिए यहां से कोई दो क्वेश्चन आएंगे अरेंज करने के लिए हो या वेराइटी ऑफ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अब रहा फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट थ्री फोर पॉइंट फोर ये जो है ना फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट यहाँ पर तीन आपको स्टोरी दी गई है नोवल में अब ये तीनों स्टोरी हम पहले तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे और वो स्टोरी में है क्या फिर उस स्टोरी से कैसे क्वेश्चन आते अब देखो आपके यहाँ पर सबसे मतलब बच्चों को ना यहीं पे समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी स्टोरी है उसका थीम क्या है वो डिस्क्राइब करो कि वो स्टोरी कौन से बेस पर है या तो वो जो स्टोरी है उसके किसी कैरेक्टर को डिस्क्राइब या उसके बारे में लिखने बोलेगा या इंटरप्रिट करने बोलेगा एक्सप्लेन करने बोलेगा तो अगर आपने स्टोरी को समझी है तो ये चीजें आपको आसान लगेगी तो हमारा सबसे पहला एम ये होगा कि ये जो फोर पॉइंट तो यहां पर ये ये आसान है बट थोड़ा लिखना पड़ेगा कोई पैसेज नहीं होगा कुछ नहीं आपको खुद रिलेटेड जो है लिखना पड़ेगा तो चलो अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं <clears throat> एकदम ऊपर से ये जो स्लाइड्स है एडवोकेट आफरीन अंसारी जी ने बनाई हुई है उनके कंटेंट से हमने ये लिया है ताकि मैं आपको समझा पाऊं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बहुत ज्यादा कंटेंट बनाए एंड उनके चैनल को मैं शाउटआउट देना चाहूंगा अपने चैनल के जरिए क्योंकि बहुत मेहनत की है उन्होंने क्या चैनल डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है यस लाइव चैट में भी डाल दीजिएगा पिन कर दीजिए अभी ओके अभी हमने वेबस, वेबसाइट और एडवोकेट अपनी अंसारी दोनों को पिन कर दीजिए ठीक थी, है अभी तुरंत मत जाओ बाद में जाना ओके यहां पर देखो सबसे पहले नॉवल क्या होता है नोवल का मीनिंग होता है नोवेला इटालियन वर्ड से लिया गया इसका मीनिंग होता है न्यू नया पहले होता था बट यहां पर जो है कुछ नई चीज लाई गई थी नोवल मतलब एक ऐसी स्टोरी जो एकदम कैरेक्टर के साथ एकदम सीन को फिल्माया जा रहा है बट मूवी नहीं है बट समझ में आ रहा है कि ये लिखा हुआ है जिसको लोग पढ़ सकते हैं बाद में इन्हीं नॉवल्स के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी ओके तो यही तरह से होता है नोवल के अंदर क्या होता है कि जो टाइम है प्लेस है नेचर है पीपल के माइंड है वो यू उसके बारे में ज्यादा वर्ण गया कि कितने बज रहे थे क्या टाइम हो रहा था शाम का समय था ये हो रहा था ये जगह थी ओके ये सब चीजें जो होता है ओके और ये जो होता है यहां पर नोवेल के बारे में देखो यहां पर क्या है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा कुछ बोल नहीं सकते तो आपको पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि चीजें है क्या पहला हिस्ट्री ऑफ नॉवल हम समझ रहे हैं

और नोवेल से जो है लाइफ को आसान भाषा में समझना आसान हो गया ओके okay, अभी यहां पर जो आज के टाइम पे नोवेल को जो है लिटररी फोर पॉइंट वन कहता है कि भाई बताओ नॉवल का इतिहास कहां से कैसे नॉवल बना कैसे लोगों ने नॉवल लिखना शुरू किया उपन्यास उपन नोवल मतलब बार बार समझो कि एक बुक होती है मोटी सी बुक होती है जिसके अंदर बहुत बड़ी स्टोरी लिखी होती है एक ऐसी स्टोरी जो कैरेक्टर के साथ चलती है बिल्कुल मूवी की तरह जिसको हम पढ़ते हैं कई दिनों तक पढ़ के पूरा करते हैं ओके इस तरह से तो जो तो दुनिया का फर्स्ट नॉवल था ओके यहां पर एक मिनट फर्स्ट यूरोपियन नॉवल की बात करते हैं यस 1605 में आया था दुनिया का जो पहला नोवल था 1010 इस ईयर में आया था जो था द टेल ऑफ गेंजी ओके फिर फर्स्ट यूरोपियन नोवल इन द ईयर 1605 ये आपको याद रखना है ओके अब ये कैसे याद रखो ये पीपीटी वगैरह में दूंगा आपको मैं जो एडवोकेट अंसारी मैडम है उनका जो वीडियो है उसकी लिंक आपने ऑलरेडी देखी होगी फिर भी मैं शेयर करूंगा दस दस मिनट के अंदर पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से एनिमेटेड तरीके से, से आप समझ लोगे मैं खुद यहां पर पहले स्टोरी बता देता हूं फिर वहां से भी आप रिफर करना बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो आप टेंशन मतलब ये सारी आपको देखो पूरा पढ़ना नहीं है सिर्फ याद रखना कि वर्ल्ड का पहला नोवेल कौन सा था द टेल ऑफ ओके अब इसको किसने लिखा था ओके ये कब आया था वन जीरो कुछ कुछ चीजें जो ये काफी इंपॉर्टेंट है ओके फर्स्ट यूरोपियन नोवेल कब था जीरो फाइव में आया था डॉन करके जो था ये नॉवल था ये यूरोपियन नॉवल था इंडियन नोवेल की अगर बात करते हैं तो यस यहां पर इंडियन नॉवल की बात करेंगे तो ओके कि पहला जो नॉवल आया था इंडिया के अंदर वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था जो था राजा मोहन वाइफ यानी राजा मोहन की मेहरारू तो ये पहला नॉवल जो है इंडिया के अंदर आया था जो लिखा था ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ठीक है और ये इंग्लिश में ही आया था फिर पहले दूसरे देशों में यूरोप में और हर जगह हुआ बाद में इंडिया में ये हुआ नोवल का ठीक है और इसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के अंदर ये सीरियलाइज हो गया ओके इंग्लिश में लिखा गया था राजा मोहन स्वाई ओके अब सोशल इश्यू पे बात करते थे पहले इंडिया में जो नोवल लिखे जाते थे सामाजिक जो समस्याएं हैं राष्ट्र के जो हित में है उन चीजों पर लिखा जाता था अभी कौन कौन थे देखो यहां पर

और बहुत सारे नॉवेल्स आपके बुक में तो देखो एक्चुअल में देखा जाएगा ना तो चैप्टर बहुत बड़ा होता है ठीक है एटीनथ सेंचुरी कम से कम 2000 साल पहले ये रिवोल्यूशन आया था पहले सिर्फ न्यूज़पेपर चलते थे मैगजीन चलते थे फिर जो मिडिल क्लास रीडर्स थे वो रोमांस के बारे में ज़्यादा पढ़ते थे फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि लोग नावल्स में इंटरेस्ट दिखाने लगे नॉवल्स पढ़ने लगे ठीक है तो इस तरह से अभी यहां पर दो साल पहले एक नोवेल आया था द नॉवल एज अ लिटररी जिनर है हिस्ट्री ऑफ अबाउट टू थाउजेंड ईयर कौन सा था ग्रीक रोमांस नोवेल ओके ग्रीक रोमांस नोवेल आया था जो काफी छाया हुआ था ओके okay, इसके अंदर आइडियल लव एंड मार्लियस एडवेंचर थे थोड़ा सा आपको शॉर्ट में सारी चीजें बता रहा हूं ये आपका जो पहला चैप्टर है उसके बारे में इंग्लैंड में 1970 के बाद जो नोवेल है ओरिजिनेट हुए तो ये पूरे दुनिया के नॉवेल्स की बात की गई है पूरे दुनिया में जो नॉवेल्स कहते थे पहले जो इंग्लैंड में एंड क्लास के थे वो उनकी आवाजें थी ओके okay, उनकी आवाजें थी yes. अब अब जो नॉवल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आ जाओ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी नॉवल लिखी जाती है स्टोरी लिखी जाती है तो उसमें एक्जैक्टली exactly होता है। देखो पहला चैप्टर थोड़ा बोरिंग आपको लग सकता है उसका जो है इतिहास से रिलेटेड है इतिहास सबको अच्छा लगता नहीं है भाई इतने बड़े बड़े नाम इतना बट कुछ कुछ जो चीजें हैं मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा उसको याद रखो वो याद रह गया तो आपको समझ में आएगा आप कर पाओगे टेंशन मतलब जो नॉवल होता है नॉवल यानी समझो कि जो हमारे पास बुकलेट है या जो बड़ी बुक है नॉवल वो नॉवल मतलब ये समझो कि एक बुक है वो जो बुक है वो स्टोरी की बुक है उस बुक के अंदर एक ही स्टोरी होती है बहुत सारी स्टोरी नहीं होती शुरू से लेके लास्ट पेज तक एक ही फिल्म होती है और वो फिल्माया जाता है वर्ड्स में तो उसके अंदर सबसे पहले एक थीम होती है कि पूरी की पूरी स्टोरी का एक थीम होता है उस थीम के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी चलती है कैरेक्टर चलते हैं और उसका एक प्लॉट होता है जमीन बनाई जाती है कि स्टोरी की थीम को फिल्माने के लिए एक आ, हम सीन्स क्रिएट करते हैं पूरी तरीके से ओके फिर उसके जो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि लीड कैरेक्टर कौन है क्या कैसे वो सारी चीजें फिर उसकी जो सेटिंग्स होती है सेटिंग मतलब कभी कभी स्टोरी आप देखते हैं कि शुरू से चलती है स्टोरी और एंड में खत्म हो जाती है कभी कभी क्या होता है जैसे पुष्पा मूवी की बात करेंगे तो पुष्पा में आपने देखा है कि हीरो बड़ा है अल्लू अर्जुन फिर बाद में बीच में जब वो जेल में जाता है उसको पुलिस वाले मारते हैं उसको अपना बचपन याद आता है जब उसको बाप का नाम पूछते हैं तो फिर वो स्टोरी कहीं ना कहीं फिर बीच में चली जाती है अब वो हीरो बड़ा है वो याद करा फिर उसके बचपन में चले गया फिर बचपन में क्या हुआ था फिर बड़ा का याद है उसको तो कभी कभी इस तरह से होती है कभी कभी कुछ स्टोरी ऐसे होती है नॉवेल्स Uh, जहां पर लास्ट का सीन पहले दिखाया जाता है समझ जा रहा है कि uh, जैसे कि कटप्पा को बाहुबली ने मार दिया या पीछे से मार दिया कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा अब फिर पूरी फिल्म चलती है फिर वो लास्ट में वापस से सीन आता है अच्छा कटप्पा को बाहुबली ने ऐसे मारा बट क्यों मारा अगले सीन अगले मूवी में देखो तो कभी कभी लास्ट का सीन मूवी में पहले दिखाया जाता है फिर बताया जाता है कि कैसे क्या है पुष्पा में भी वैसा ही कुछ है तो इस तरीके से है सेटिंग्स होती है स्टोरी की सेटिंग कैसी है वगैरह समझ में आ रहा है कंफ्लिक्ट क्या है अभी हर एक हर एक स्टोरी के अंदर मूवी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाए जाते हैं कंफ्लिक्ट मतलब था निराशा कुंठा कि क्या प्रॉब्लम है और किस चीज से लोग लड़ रहे हैं जैसे कि बहुत सारी अभी हम पढ़ेंगे नॉवेल्स वगैरह तो कहीं पे चोरी हो गई है एंड कहीं पे कोई मर्डर हो गया है कोई की कोई चैलेंज को पूरा कर रहा है इस तरह से अब इस इस नॉवेल का लैंग्वेज और स्टाइल क्या है कैसे लिखा गया ओके okay, कभी कभी कोई नॉवेल्स बहुत इजी लैंग्वेज में होता है कुछ के लिखने का स्टाइल कुछ अलग ही होता है यानी जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच यूज करके वगैरह कुछ या आ, इस तरह से समझो तो उसका स्टाइल क्या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये याद करना है कि आपको हमेशा जैसे क्वेश्चन भी आएगा ना तो आएगा डिस्क्राइब द थीम ऑफ द नावल अब फोर पॉइंट टू के जो तीन अभी स्टोरी हम देखेंगे उसकी थीम को डिस्क्राइब करने के लिए आएगा एकदम समझ में आ रहा है नॉवल से कुछ बच्चे डर के भाग दे कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है तो हो सकता है बहुत से बच्चों की तैयारी हो गई हो मैं यहां पर कोशिश करूंगा अच्छे से आपको ये चीजें बताने की ऐतिहासिक चीजें हैं ठीक है तो ये हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है यहां फोर पॉइंट वन में जो भी मैंने बताया इसको और भी अच्छे से आप कर सकते हो ओके और हम क्या करेंगे इसके लिए मैं लिंक्स दूंगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन भी दूंगा कि क्या क्वेश्चन पढ़ना है कौन से क्वेश्चन को रिवाइज करना है और क्वेश्चन के साथ आंसर भी दूंगा अभी एक बार वो देख सकते हो ठीक है तो ये फोर पॉइंट वन हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे अब यहां पर हम बात करेंगे जो 4.2 है टू सर विथ लव ये पहला हमारा नोवेल है 4.1 के बाद 4.2 टू टू सर विथ लव ठीक है तो यहां पर होता क्या है कि एक कैरेक्टर है ब्रेडविथ एकदम देखो मैं इस स्टोरी को शॉर्ट में अपनी भाषा में नॉर्मली शॉर्ट में बता रहा हूं आपको स्टोरी को समझना है और इस स्टोरी को डिटेल में समझाने के लिए छोटा सा वीडियो का लिंक मैं आपको दूंगा जो एडवोकेट अंसारी मैडम है ओके okay, उनका वीडियो का लिंक बहुत ही एनिमेटेड है बहुत ही क्रिएटिव है और मेरा मेन एम है कि आप कम से कम टाइम में जीव तो पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ फिर पूरे कैरेक्टर के नाम और ये सब याद करने के लिए आप उस स्टोरी को रिफर करना अभी आप पूरी मतलब आपके पास देखो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दस बजे के पहले खत्म करूंगा उसके बाद आपके पास टाइम है एक घंटा और मैं जो चीजें दूंगा उसको रिफर करना हो जाएगा टेंशन मतलब ये अभी ये जो बंदा है ये यहाँ पर हमारा सर है 4.2 हमारा टू सर विद तो लव यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ये ब्रेथ वेथ इसका नाम है ब्रेथ वेथ एकदम ध्यान से सुन जितने कुछ नहीं किया ना उसके लिए बता दो ब्रेथ वेट करके ये जो है ये ये पहले ऑयल कंपनी में काम करते थे समझ में आ यारा और ये मतलब जैसे कि आप समझ सकते कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं गोरे लोग होते हैं इंग्लैंड के लोग होते हैं गोरे होते हैं तो ये अफ्रीकन मूल के थे ये काले थे इनकी स्टोरी शॉर्ट में बता रहा हूँ फोर पॉइंट टू टू सर विथ लव क्या और बाद में क्या होता है ऑयल कंपनी में काम करते हैं और उस समय क्या होता है कि ये ऑयल कंपनी से निकल जाते हैं और फिर जब वर्ल्ड वॉर होता है वर्ल्ड वॉर टू शायद तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो एयरफो आर्मी जो होती है डिफेंस में डिफेंस में इनको नौकरी मिल जाती है और वहां काम करते हैं लेकिन फिर जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो इनकी वो नौकरी चली जाती है फिर ये बोलते हैं मैं क्या करूँ तो ये एक जगह पर जो है बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं एज अ टीचर ठीक है एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं तो ये एक है अब यहाँ पर होता क्या है, कि इस का जो नाम है, टू है एक मोटी सी बुक होती है जिसमें एक फिल्म की तरह एक स्टोरी चलती रहती है शुरू से लेके एंड तक और उसे पढ़ने में कई दिन लगते हैं अगर आप डेली एक या दो दिन भर तो नहीं पढ़ोगे एक घंटा रोज पढ़ते तो महीने भर में कंप्लीट कर सकते तो उस पूरे नोवेल का एक छोटा सा है अब उसमें अब ये जब डिफेंस से निकल जाते हैं तो बोलते जीविका चलाने के लिए वो क्या करते हैं इनका रंग था ब्लैक क्योंकि पहले रंग भेद बहुत चलता था जैसे कि हम लोग इंडियंस थे तो इंडियंस को भी काले माना जाता था जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने गोरे मानते थे गांधी जी को भी ट्रेन से जो है बाहर धक्का मार के निकाल दिया गया था गोरे लोगों ने किया था वैसे ही तो अब जब ये स्कूल में जाते हैं ब्रिटिश के तो जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते इनको बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं यही जो है पूरे चैप्टर में अच्छे समझाया गया फिर बाद में ये बहुत परेशान हो जाते हैं इतना निराश हो जाते हैं लेकिन फिर भी ये अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही रेस्पेक्ट से बात करते हैं स्टूडेंट्स इनको हेट कर रहे हैं कि आप गोरे नहीं हो मतलब हमारे यहाँ के नहीं हो ब्रिटिशर्स नहीं हो आप दूसरे रीजन के हो हेट करते हैं लोग फिर भी ये स्टूड अपना हिम्मत नहीं हारते हैं ब्रेटवेट जो होते हैं और ये क्या करते हैं कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं एकदम ध्यान से सुनना वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बड़े रेस्पेक्ट से बात करते हैं और उनको सिखाते हैं कि कैसे रेस्पेक्ट दिया जाना चाहिए स्टूडेंट्स देखते हैं यार ये जो टीचर इनको हम इतना हेड दे रहे हैं और ये ब्रेटवेट जो है ये हमें बड़े रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो इस तरह से वो बड़े आ, वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और वो थोड़ा रेस्पेक्ट देने लेते हैं इनको और वो लड़कियों को मिस करके बोलते हैं अब लड़कियां भी देखती हैं यार मिस करके बोल रहे हैं तो लड़कियां भी बड़ा रेस्पेक्ट देने लगती है इस तरह से पूरी क्लास के मन में ब्रेडवेड जो ये टीचर है इनके मन में आ, इनके लिए मन में थोड़ा सा बहुत अच्छा एक्साइटमेंट आ जाता है रेस्पेक्ट आ जाता है फिर ये क्या करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं जैसे बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके जाना बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज कराना जो बच्चों को बाकी टीचर्स ने नहीं कराई थी तो ऐसे जो स्टूडेंट्स है वो और खुश हो जाते हैं अरे वाह ये जो ब्रेडवर्ड टीचर आए जिनको हम हेट कर रहे थे कितने अच्छे टीचर हैं हमें नई नई चीजें सिखा रहे हैं हमें कॉन्फिडेंट कर रहे हैं और हमें फील्ड ट्रिप करवा रहे हैं स्पोर्ट्स करवा रहे हैं बहुत सारी चीजें करवा रहे हैं फिर इसी थीम के ऊपर पूरा जो है ये स्टोरी चलते रहता है ओके ये ले जाओ और बाद में जो ब्रेडवेट है इनके स्टूडेंट इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि पूरा जो स्कूल होता है उस स्कूल के अंदर अब ये ग्रेड ट्वेल्व को पढ़ाते हैं ये ग्रेड ट्वेल्व को पढ़ाते हैं तो एक बार क्या होता है कि आ, आ, जो है पूरा असेंबली होती है जैसे कि फंक्शंस होते हैं वहां पर एक कमिटी बैठती है बच्चों को बोला जाता है कि भाई आप के क्या क्या प्रॉब्लम है या आपके क्या विचार है कि क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए क्या सजेशन है दो तो वहां पर क्या होता है कि सबसे पहले जो लोअर क्लासेस के बच्चे है ना पहली दूसरी से लेके उनके चांसेस आते हैं फिर जब ब्रेडवेथ के स्टूडेंट आते हैं ट्वेल्व क्लास के वो ऐसी ऐसी बातें सजेशंस में रखते हैं कि एकदम इंटेलेक्चुअल बातें जो पैनल बैठा होता है वो भी शॉक हो जाता है वो इतनी इंटेलेक्चुअल बातें फिर उनको सेलेक्ट किया जाता है उनको फिर अलग से जो पैनल के सामने रखा जाता है और बाद में पता चलता है कि यार ब्रेडवेट ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं और इसीलिए उनको बोलते हैं टू सर्व विथ लव तो ये जो पूरा बड़ा नॉवल था उस नॉवल का एक छोटा सा हिस्सा ये उस नोवेल का एक छोटा सा ये हिस्सा हमारी बुक में है पूरी नोवेल नहीं है तो ये एक छोटी सी स्टोरी बड़ी स्टोरी का छोटा पट हमारे तो अब आपको क्या करना है यहां से इस फोर से दो क्वेश्चन आएंगे समझ में आ रहा है दो क्वेश्चन आएंगे जो दोनों क्वेश्चन होंगे दो दो मार्क के होंगे अब हो सकता है कि ये जो पूरा टू सर्व विद लव है इसका थीम बताने के लिए बोला जाए कि इसका थीम बताओ थीम को डिस्क्राइब करो या तो हो सकता है कि ये जो का कैरेक्टर है इस कैरेक्टर के बारे में दो मार्क के लिए लिखो इस कैरेक्टर को एक्सप्लेन uh, करो डिस्क्राइब करो या कुछ इंटरप्रिट करने आएगा इस चैप्टर के अंदर और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को भी डिस्क्राइब करना जो सीनियर स्टूडेंट था इनका या जो भी कुछ कैरेक्टर्स और थे तो बस ये इस टू सर विद लव ये जो नोवेल का जो चैप्टर है फोर पॉइंट टू यहाँ से चार मार्क आपको क्या करना है कि ये जो चैप्टर है इसकी कहानी को एकदम आत्मसात कर लेना है और इसके कैरेक्टर्स को भी समझ लेना जैसे आपने किसी मूवी के कैरेक्टर को एकदम याद रखा है कि कौन क्या रहता है ओके okay. मुन्ना भाई ये तो एक सर्किट रहता है छोटा सर्किट समझ में आ रहा वैसा तो ये करना और इसके ऊपर दो क्वेश्चन आएंगे उसको अच्छे से करना अब कैसे क्वेश्चन आएंगे हमें बताओ यस मैं अभी आपको बताता हूं बट पहले चलो फटाफट -फड़ जो है देख लेते हैं इसके बारे में अब यहाँ पर जो मेजर कैरेक्टर्स है ओके okay. मिनट है बच्चों यहां पर ये एक मिनट है अभी मैं आपको कैरेक्टर्स बताऊंगा <laughs> दूसरी स्टोरी भी यहाँ मर्ज हो गई है एक मिनट नहीं थे। इसमें नहीं है अराउंड द वर्ल्ड और ये जो अराउंड द वर्ल्ड है ना ये वाला ये जो कैरेक्टर लगाए ये ये अराउंड द वर्ल्ड है ठीक है तो अराउंड द वर्ल्ड कौन सा है फोर पॉइंट थ्री है बच्चों चलो अभी अगली स्टोरी हम लोग लेते हैं यस 4.3 अराउंड द वर्ल्ड यस अराउंड द वर्ल्ड इन यस यहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ओके टाइम कम होने की वजह से हमने कोशिश की है बट आपको अच्छे से बताने की कोशिश करना कोई जा मत ये देखो अराउंड द वर्ल्ड ये जो अभी हम लोग लेने जा रहे हैं यहां पर और भी कुछ लगाए थे लाइट्स वगैरह ये ये कौन सा ये वाला हां ये वाला था टू सर्व विद द यस अच्छा चलो वो दूसरे का आगे चलो ये टू सर्व विद मैंने बताया यहां पर देखो कुछ स्लाइड्स है जो आपको दिखाना चाहेंगे ये एकदम ध्यान से देखना टू सर्व विद लव है है थोड़ा सा स्लाइड्स मिक्स हो गई यहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड की स्लाइड ऊपर आ गई थी यस मेजर कैरेक्टर्स ओके तो ये डेनहेम करके है ये जो ब्रेथवेट का स्टूडेंट होता है तो यहाँ पर ये जो डेनहेम है इसके बारे में ये स्लाइड में आपको दिख रहा है कि ये बिजनेस लाइक एंड कॉन्फिडेंट होता है कि अपने टास्क को एकदम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होता है, है तो अगर कभी हमें बोला कि ये जो ब्रेटवेट की स्टोरी है सर इन लव विथ सर तो यहाँ पर डेनेम तो आपको ये चीजें लिखनी है तो ये सारी स्लाइड्स में दूंगा यहाँ पर एक और कैरेक्टर होती है जिसका नाम है पेमेला ओके मिस डेयर करके इसका पेमेला डेयर तो ये भी जो ब्रेथवेट की स्टूडेंट है तो इनके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए पहला लाइन हमेशा आप लिख सकते हैं अगर इससे रिलेटेड आया कि आप इस कैरेक्टर को डिफाइन करो पेमिला डेयर तो आप हमेशा पहले लिख सकते हैं स्टूडेंट ऑफ ब्रेथवेट क्लास अगर ये वाला जो डेनम था इसको भी लिख सकते हैं कि ही इज अ स्टूडेंट ऑफ ब्रेथवेट क्लास तो एक लाइन तो फिक्स हो गई दो मार्क के लिए कम से कम चार पॉइंट लिखने की कोशिश करना अब इसके बारे में इसने क्या बोला था वहां से तो इसने क्या की बोला था कि जो ह्यूमेनिटी के लेकर मानवता को लेकर प्रॉब्लम के सामने क्या बोला था कि मानवता को लेकर जो प्रॉब्लम उसके बारे में बोला था कि कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं ओके okay, एडवाइस दिया था इंटरचेंज ऑफ नॉलेज ज्ञान का जो लेन देन करने में क्या प्रॉब्लम है ये इससे रिलेटेड है और इस तरह से ठीक है तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी नॉवल है उसका थीम और थीम के साथ जो कैरेक्टर्स है उन के बारे में। समझ में आ रहा है अब ये जो है स्कूल का हेडमास्टर था था मेजर कैरेक्टर मिस्टर ये जो ब्रिटिश हेडमास्टर था ग्रीनसलैंड स्कूल का जो बहुत ही एक्साइटेड था ओके okay? और वो स्कूल को एड्रेस करता है जो फंक्शन होता है वहां पर स्कूल को भाषण देता है हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल स्टूडेंट काउंसिल छह महीने के बाद होती है उसका जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो एम्स एंड पॉलिसी के बारे में करता। तो ये अगर कैरेक्टर के बारे में आया तो यहां से इसके बारे में लिख सकते हैं तो ये सारी में आपको देने वाला हूं टेंशन मत लो ठीक है तो, अब यहां पर एक थीम है कि चलो ये जो नॉवल है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पढ़ना होता है थीम देखो चैप्टर बहुत बड़ा है पूरा चैप्टर पढ़ के मतलब उसकी स्टोरी समझ लो और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो जैसे कि थीम ऑफ द नॉवल कि ये जो नॉवल है लव लव विद okay, विद ओके तो ये जो है उस नोवेल का थीम क्या है तो पहला मत मत, मतलब तो उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि पहले इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया था अमेरिका में फिर इंडिया में आके अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई दी थी, थी और इंडिया में तो पूरा राज करने लगे थे इंडिया को गुलाम किया था वैसे ही जो यूएसए ऑफ अमेरिका वहां पे जो ब्रिटिशर्स थे वो जा जाकर अपने कॉलोनीज बनाए थे आपने पढ़ा होगा टेंथ वगैरह में पहले तो वो जो कॉलोनीज बनाए थे अभी तो नए सिलेबस में नहीं है तो वो है यहाँ पर जो गोरे काले का भेद बताया कि वो निग्रो रहते साउथ अफ्रीकन रहते और यहाँ पर ब्रिटिशर्स के बीच में रहते उनको हेट मिलता है ओके okay, रेसिज्म है ओके रेसिज्म यानी कि जो मैंने हेट बताया वो ओके okay, प्रीजिड है सेंस ऑफ बिट्रॉयल है पेशेंस है टीचर कितना सहन करता है स्टूडेंट टीचर रिलेशन तो ये जो theme of the novel है की, जो हमारा रिलेशन है? है, है, है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हर एक नोवेल के बारे में याद करना है कि भाई इस नोवेल का थीम क्या है तो आपके तीन नोवेल है पहला तो छोड़ दो हिस्ट्री है तीनों नोवेल का आपको ये थीम याद करना है कि उस नोवेल का थीम क्या है समझ में आ रहा है और ये थीम के पॉइंट याद रखो कभी-कभी हमें सिर्फ इतना बोलेगा कि जो ये नोवेल है हमारा कौन सा एक मिनट ये टू सर्व विद लव ये जो नोवेल है इसका थीम लिखो डिस्क्राइब द थीम ऑफ द नोवेल टू सर्व लव विद ओके जो भी है तो आपको यहीं पर यही लिखना है ये जो मैं बता रहा हूं यहां पर एक मिनट हाँ ये कि कॉलोनइजम ये जो मैंने बताया ये लिखना. तो हर एक का ये करना है कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है यहां जैसे एक कैरेक्टर था कोई मिस्टर फ्लोरियन है ब्रिटिश हेडमास्टर था ये कैरेक्टर तो हर एक कैरेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ लो ओके okay, उस नॉवल का थीम पढ़ लो और जो इसका प्लॉट है या जो कैरेक्टर्स के स्टोरी है उसको देख लो बस फिर कुछ भी आया ना तो अपने हिसाब से लिखना जब कुछ पता होगा तो ही लिखोगे ना यहां कुछ फेकोलॉजी नहीं कर सकते क्योंकि अगर मुझे बोला कि जो मिस्टर फ्लोरियन कैरेक्टर है उसको डिस्क्राइब करो अब तुम क्या फेंकोगे पता नहीं कौन था वो एक आदमी था हाँ वो एक आदमी था अरे आदमी तो सब रहते हैं तो वहां तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये हेडमास्टर है अगर तुम्हें ये पता है तो कुछ अपने मन से भी जोड़ सकते हो इसीलिए चीजों को समझना है ठीक है तो ये हो गया अभी हम लोग दूसरा जो इसके बाद वाला है उस उसपे आते उस उसपे आते क्या आते हैं यहाँ पर आ, जो दूसरा है जो पूरा वर्ल्ड घूमना है हम लोग पीपीटी नहीं बना पाए बहुत टाइम नहीं मिला ओके और लेट हो गया था लेक्चर स्टार्ट करने इसलिए हम स्टार्ट कर 80 डेज तो 80 डेज में 80 दिन में पूरा दुनिया घूमना है ये हमारा है फोर पॉइंट थ्री कौन सा है? कोई जाएगा नहीं एकदम ध्यान से देखना 4.3 ये ये जो है around the world in days, ये है इसके अंदर अराउंड वर्ल्ड इन 80 डेज एक वो क्या बोलता है कि पूरी दुनिया को 80 दिन में घूमना ये एक चैलेंज था तो यहां पर जो मेन कैरेक्टर है मेजर कैरेक्टर वो है फिलीस और इसका एक दोस्त होता है जो होता है यहां पर पैसे पार्टर पैसे पार्ट आउट देखो नाम अजीबो गरीब है प्रोनाउंसिएशन गलत होता जाता है क्योंकि तो ये ब्रिटिशर्स लोगों के नाम है या फ्रेंच है या अलग अलग कंट्री के हैं तो ये फिलीस जो है ना ये आ, अपने शहर में रहता है और वहां पे एक क्लब रहता है वहां पर आता जाता रहता है ये जो पैसे पोर्टर पोर्ट आउट होता है ना ये इसका दोस्त होता है उसके साथ हमेशा रहता है जैसे पता है ना पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन के साथ हमेशा एक आ, जो कैरेक्टर है रहता है जो उसकी सेटिंग लगाता है है ना वैसे ही ये कैरेक्टर है बिल्कुल पुष्पा मूवी के जैसा ही अल्लू अर्जुन का ये ये दोस्त है 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 अब जो अपने क्लब में में रहता वहां पर उसको न्यूज मिलती है कि दिन पूरी दुनिया घूम सकते हैं तो ये कहीं से तो न्यूज आती है और वो सुनता है फिर वो बोलता है मैं भी अस्सी दिन में दुनिया घूमूंगा और ये बहुत पुराने जमाने की बात है उस समय ट्रेन वगैरह या एयर ट्रांसपोर्ट नहीं था तो पानी के रास्ते सब घूमना पड़ता था तो जिस क्लब में रोज जाता था उस क्लब के मेंबर्स ने जब इस पे हंसने लगे और एक चैलेंज लगा दिया घूम सकते दिखाऊंगा तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस क्या हुआ? कि जो थे, इसके साथ चैलेंज लगा दिया क्लब मेंबर्स ने कि भाई अगर तुम अस्सी दिन में पूरी दुनिया घूम के आ गए तो हम आपको बीस हजार पाउंड देंगे क्या देंगे बीस हजार पाउंड तुम नहीं घूम के आ पाए तो आप हमको बीस हजार पाउंड दोगे सुन तो आ रहा है तो अब ये क्या हो गया कि जो पिलीस था उसकी जो पूरी जायदाद थी उसका आधा हिस्सा ये था बीस हजार पाउंड अब इसमें हुआ क्या कि इसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अस्सी दिन में दुनिया घूम हुं के आऊंगा अब यहां से हुआ क्या कि जो पिलीस फॉग है ये बंदा है स्टोरी को इमेजिन करो मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी समझा रहा हूं कोई भागो मत यार तो ये जो पिलीस फॉग है ये जो है अब निकलता है घूमने के लिए दुनिया पानी के रास्ते साथ में ये जो पैसे पैट्रोट है ये भी निकलता है उसके साथ ओके okay. अब ये लोग निकलते हैं इनकी स्टोरी घूमती है फिर ये इंडिया में आते हैं और जब इंडिया में आते हैं तो इंडिया में आने के बाद क्या होता है कि वो कोलकाता वगैरह घूमते हैं फिर एक जगह पे देखते हैं कि एक जो लड़की है उसको जो है सती किया जा रहा है सती क्या होता है कि जब उसका पति मर जाता है तो उसको भी चिता पे जला के मार दिया जाता है काफी पुरानी कहानी है तो वो देखते हैं तो ये जो पिलिस फॉग होता है इस आउडा को क्या करता है इस आउडा ये जो एक लड़की है हीरोइन है हमारे इस नॉवेल की ये सती होने जा रही थी इसको लोग जलाने जा रहे थे पति की चिता पे ओके तो क्या होता है कि जो पिलीस फॉग है इसको बचा लेता है उन लोग से और इसको अपने साथ ले चलता है लेकिन होता क्या है कि जब ये इंडिया में आता है तो उस समय एकदम ध्यान से सुनो एकदम बच्चों प्यार मोहब्बत से बता रहा हूँ पूरा बुक पढ़ने से अच्छा समरी बता रहा हूँ और अभी मैं वीडियो के लिंक शेयर करूंगा जो एडवोकेट अंसारी मैडम है पर अंसारी मैडम उनका 10 10 12 मिनट के वीडियो छोटे-छोटे बहुत अच्छा लगा मुझे एनिमेटेड ओके फिर ये जो फीलीज फॉग है ओके वो वो इस जो महिला है वो जो हीरोइन है ये इसका पति मर गया है। सती कर रहे थे लोग इसको जलाने जा रहे थे जब पहले जमाने में सती प्रथा होती थी जब पति मर जाता था तो उसकी चिता पर ही उसकी वाइफ को बिठा के जला देते थे ये देखता है उसे पता चलता है यार ये इंडिया की प्रथा है तो उसको बचा के वहां से लाता है और उसको अपने साथ रखता है लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि एक डिटेक्टिव फिक्स होता है एक जासूस फिक्स होता है वो जासूस क्या करता है उसको शक होता है कि एक चोरी हुई है या कुछ तो कांड हुआ है और उसका जिम्मेदार ये पुलिस फॉग है और ये हर जगह ना इसका पीछा करता है और बार बार उसको पकड़ के जेल में डालने की कोशिश करता है और वो हमेशा ना वो जासूसी करके उसको कैसे फसादू सोचता है और करते करते क्या ये बहुत मुसीबत में आ जाता है और उसने जो अस्सी दिन का वादा किया रहता है कि मैं पूरा घूम के आऊंगा दुनिया अब वो धीरे धीरे अस्सी दिन खत्म होने लगते हैं फिर क्या होता है एक बार ये जो डिटेक्टिव फिक्स है इसको बाद में शॉर्ट आउट हो जाता है अरे यार मैं गलत आदमी को दे रहा हूँ ये तो बहुत सही इंसान है ये चोर नहीं है या ये जो उसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो ये नहीं है फिर ये लोग इंडिया से निकल जाते हैं आउडा को लेके इसका जो फ्रेंड है पोसे पोट और पुलिस वो आउडा को लेके निकल जाते हैं ओके अब ये निकल तो जाते हैं लेकिन जब ये लोग वापस अपने देश में पहुंचते हैं शहर में पहुंचते हैं तो जो है, इसको पता चलता है यार मैं तो एक दिन लेट पहुंच गया अस्सी दिन में घूमना था और मुझे जिस डेट को आना था मैं उस डेट से लेट हो गया अब वो आउडा के सामने निराश होकर बोलता है कि सॉरी अब सॉरी क्यों बोलता है सॉरी इसलिए बोलता है कि मैंने तुमसे जो वादा किया था कि यार मैं तुमको शादी करना चाहता था तुमको अपने साथ रहना चाहता था लेकिन अब मैंने जो चैलेंज लगाया था उस चैलेंज को मैं हार चुका हूं अब मेरी पूरी जायदाद चली जाएगी और मैं गरीब हो जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ गरीबी में रहो ऐसे में आडा बोलती है कि मुझे तुम्हारे जायदाद से प्यार नहीं है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ इसके बाद क्या होता है कि जब वो अपने शहर पहुंचते तब उनको पता चलता है कि हम लोग दुनिया के अलग अलग देशों में घूम रहे थे एट दैट टाइम हर एक देश का टाइम अलग था टाइम जोन यानी कि उनको बाद में पता चलता है कि हम जो आए हैं ये दूसरे देश के हिसाब से एक दिन लेट आए बट उस शहर के हिसाब से हम एक दिन पहले आ गए यानी 80 दिन में आना था हम 79 डेज में आ गए और ये बड़ी खुशी की बात होती है और ये जो है पूरा रोमांच जो है यहाँ पर नोवल है और किस तरह से वो अस्सी दिन में घूम के आता है कैसे वो उस चैलेंज को जीतता है जो क्लब वाले जो है उसको उतना पाउंड देते हैं और फिर ये इसे शादी करता है उड़ा से और सुखी सुखी रहता है तो इस तरह से को मैंने कोशिश की आपको कि ये जो स्टोरी है उसको शॉर्ट में आपको की अब आप चाहते हैं कि सर इसको एनिमेशन के जरिए जरा अच्छे से बताना कैरेक्टर का फोटो वगैरह जैसा पिक्चर के जैसा जरा लेकिन तीन घंटा नहीं बाबा दस मिनट में तो अभी हमारे जो एडवोकेट फरीन अंसारी मैडम है उनका जो यूट्यूब मैंने चैट में लिंक किया उस चैनल पर आपको मिलेगा ओके वो वीडियोस की लिंक भी ही कर दो प्लेलिस्ट बना के वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दो ताकि बच्चों को ढूंढना ना पड़े एडमिन अभी आपको वीडियोस की लिंक दे रहे हैं थोड़ा सा रुक जाओ मैं देता हूं आप ये बहुत ही अच्छे से मैडम ने जो एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया मैंने एनिमेशन नहीं यूज किया मैं आपको एक ओरली जो है स्टोरी पूरा समझा रहा हूं अभी ये जो था यहां पर दो क्लब क्लब था रिफॉर्म क्लब नाम था कैरेक्टर्स के नाम वगैरह चीजों के प्लेस के नाम याद करना वहां के मेंबर्स ने चैलेंज लगाया था ओके okay, यहाँ पर बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स थे जो इसके अंदर है मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया तो ये सारे कैरेक्टर्स है जो आपको याद रखना है तो यहां पर ये यह चीजें खत्म हो गई अभी बच गया लास्ट लास्ट का लगाया क्या आपने नहीं है लास्ट देखते हैं लास्ट वाला लगाएगा एक मिनट अराउंड द वर्ल्ड इन एटी डेज अच्छा यहाँ पर आपने कोशिश की थी यस yes. अगला देखते हैं द साइन ऑफ फोर अभी लास्ट वाला एकदम ध्यान से सुनना प्यार मोहब्बत से स्टोरी बताऊंगा एकदम अच्छे से बताऊंगा स्टोरी समझ ले फिर मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं पानी पीने दो अभी अगली स्टोरी सुनो लास्ट है फोर पॉइंट फोर और ये बहुत ही मस्त है द साइन ऑफ फोर यहां पर क्या है कि जो शेरलॉक होम्स है जो अपने बहुत बड़ी जो नॉवेल्स के बहुत बड़े हीरो होते हैं जो जिसको हम बोल सकते हैं डिटेक्टिव जासूस बोलते हैं तो ये शेरलोक होम्स की जो कहानी है बट यहाँ पर मेजर कैरेक्टर्स अलग अलग है शेरलोक होम्स जो, जो है क्रिमिनल जो हैं उनकी जासूसी करने के लिए शेरलोक होम्स रहते हैं लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि इसके अंदर जो मेजर कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर क्या होता है कि आगरा के अंदर एक खजाना होता है और उस खजाने के बेसिस पर ही पूरा स्टोरी है द साइन ऑफ पोर्ट चार लोगों का चिन्ह तो वो जो चार लोग हैं यहां पर चार लोग रहते हैं वो मिलके खजाने की चोरी कर लेते हैं जो चार लोग होते हैं कौन है वो चार लोग एकदम ध्यान से सुनना यहां पर खजाने की बात कर दे तो एक होता है जोनाथन स्मॉल देखो ये जो पीपीटी है ना ये एडवोकेट फरीन अंसारी मैडम ने बनाई है उनके चैनल का लिंक मैं आपको दे ही रहा हूं ये चारों नोवेल जो है इनकी स्पेशल वीडियो के लिंक मैं आपको दे रहा हूं अभी थोड़ी देर में उसको जरा आधा घंटा निकाल के देखना आप बहुत अच्छे समझ आओगे फिलहाल मैं बता रहा हूँ इसके बाद तो और अच्छे से समझ में आएगा चार लोग का नाम है ध्यान से सुनना जोनाथन स्मॉल मोहम्मद सिंह अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर आगरे के अंदर ये चार लोग क्या करते हैं कि खजाना जो एक होता है खजाना एकदम ध्यान से सुनो ये लास्ट वाला मैं नोवेल बता रहा हूं जो खजाना होता है उस खजाने को चोरी कर लेते हैं आगरे का खजाना अब इस खजाने को चोरी कर लेते हैं तो इसमें कैरेक्टर है इसका नाम है जोनाथन और ये ही पूरे स्टोरी का गुंडा है मैं सस्पेंस नहीं बनाऊंगा डायरेक्ट स्टोरी बताऊंगा पूरे स्टोरी का जो गुंडा है जोनाथन स्मॉल है ये ये क्या करता है जोनाथन स्मॉल कि यहां पर ये जो खजाना है चार जन लूटते हैं लेकिन ये खुद अकेला खजाना लेके गायब हो जाता है खुद क्या करता है इन लोगों को धोखा देके खजाना अकेले लेके गायब हो जाता है अब होता क्या है लेकिन वो पकड़े जाता है ये पकड़े जाता है इसको जेल हो जाती है कौन नाम याद रखो जोनाथन स्मॉल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट एंड अब नाम देखो विदेशी नाम वगैरह टेंशन मत लेना अब ये क्या करता है जेल में चला गया अब जेल में जाने के बाद क्या करता है बच्चों ध्यान से सुनना दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है यस yes. <coughs> एक मिनट स्टोरी समझो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं अब होता क्या है कि जेल में जाने के बाद क्या करता है वहां पे दो लोग रहते हैं जो जेलर होते हैं ना वहां पे दो लोग होते हैं यहां पर ये दो जन है तो नाम नहीं लिखा क्या नाम जरा शेयर करो इन दोनों के नाम लिखे नहीं है देखो तो यहां पर बच्चों में आपको बता दू मैंने नाम याद नहीं किए बट मैं आपको नाम जरूर बताना चाहूंगा शेयर द नेम्स ऑफ टू पीपल्स ये देखो हाँ कर दो 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 यहां दो कैप्टन मॉन्स्टर यस मैंने एक ये बनाया था यार कैप्टन एक मिनट है बच्चों यहां पर नाम याद रखना बहुत जरूरी है ओके okay. तो नाम के साथ बता रहा हूं ये एक है कैप्टन है कैप्टन आर्थर मॉन्स्टर है कैप्टन आर्थर ओके और ये मॉन्स्टर है एकदम ये याद नाम है थो. और ये जो है मेजर शॉल्टू है ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मेजर शॉल्टो है समरी मैंने एक लिखी थी आपको बताने के लिए तो होता क्या एकदम ध्यान से सुनना एकदम ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना ये जो जोनाथन स्मॉल है ये जेल 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 में में चला जाता है अब जेल में होता है अब होता क्या है? कि ये दोनों जेल के रखवाले रहते हैं कोई जाएगा नहीं ध्यान से सुनो जो भी बच्चे ध्यान सुनो ये दोनों जो है जेल के रखवाले रहते हैं ये क्या करता है जोनाथन स्मॉल की जो ये कैप्टन आर्थर मॉन्स्टर है और मेजर शॉल्टो इन दोनों के साथ हाथ मिलाता है और बोलता है बोलता है कि आप लोग मेरी मदद करोगे तो आपको मैं खजाना दे दूंगा ओके ये बोलता है कि मैंने जो खजाना मैंने चोरी किया था मेरे पास है आप लोग मुझे जेल से निकालने की कोशिश करो मैं खजाना दे दूंगा लेकिन होता क्या है कि ये दोनों से ये दोस्ती होती है खजाना इनसे ये लोग ले लेते हैं बट उसको छोड़ते नहीं है जोनाथन स्मॉल को जेल से छोड़ते नहीं है अब इसके साथ स्मॉल के जोनाथन स्मॉल के साथ हो गया धोखा अब वो बोलता है यार मेरे साथ तो धोखा कर दिया मैंने खजाना दे दिया लोग छुड़ाए नहीं अब इन दोनों के बीच में क्या होता है जो शॉल्टो होता है मेजर शॉल्टो ये क्या करता है ये धोखेबाज निकलता है इन दोनों ने मिलकर इसको जोनाथन स्मॉल को धोखा दिया और बाद में इसने क्या किया ये जो मिस्टर आर्थर मॉन्स्टर है इसको भी धोखा देता है और जो ये जो शॉल्टो ये खजाना लेके भाग जाता है देखो बहुत बड़ी स्टोरी है मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं खत्म हो रही है स्टोरी अब ये जो शॉल्टो ये खजाना लेके भाग जाता है अब ये जो, जो जोनाथन स्मॉल है इसको बहुत गुस्सा आता है कि यार मेरे से दोस्ती करके खजाना लेके चले गए मुझे छोड़े भी नहीं अब ये जो है ये परेशान हो जाता है फिर ये अपने शहर इंग्लैंड वगैरह चला जाता है ओके okay. अब होता क्या है कि एक दिन, एक दिन दिन ये जो है यहां पर एक टैंगो करके बंदा है टोंगो टैंगो करके कोई बंदा है टोंगा करके एक बंदा है एकदम ध्यान से सुनना एक टोंगा करके बंदा जो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टोंगा ये टोंगा जो एक बंदा रहता है वो वहां का आदिवासी रहता है टोंगा की मदद से ये जो हमारा बंदा था ये वाला जोनाथन स्मॉल ये जेल में है टोंगा की मदद से ये जेल से भाग जाता है टोंगा की मदद से ये जेल से भाग जाता है फिर होता है क्या जेल से भागने के बाद जेल से भागने के बाद क्या होता है कि आ, वो खोज करता है इस शॉल्टो की अब शॉल्टो इंग्लैंड में एक बार जब कैप्टन आर्थर को मिलता है तो इन दोनों की बहुत बहस होती है झगड़ा होता है कि तू खजाना लेके भाग गया और इस आर्थर मॉन्स्टर को ना हार्ट अटैक आ जाता है और ये मर जाता है ये कैरेक्टर मर गया समझ में फिर क्या होता है कि ये मर जाने के बाद ये जो मेजर शॉल्टो है ओके इसके दो बेटे रहते हैं इसके क्या रहते हैं दो बेटे रहते हैं एकदम ध्यान से सुनना सारी चीजें बताऊंगा एकदम ध्यान से इसके दो बेटे रहते हैं एकदम ध्यान से सुनना ये जो मेजर आ... शॉल्टो रहता है इसके दो बच्चे रहते हैं जिनके नाम होते हैं कि थेडस एंड बारथोलो ओके इसके दो बच्चे रहते हैं एक होता है थेडस एंड बारथेलो बारथोलो ये दो बच्चे रहते हैं तो एक दिन ये बूढ़ा हो गया रहता है और वो क्या करता है कि यस वो क्या करता है कि जो थेडस और बारथोलो अपने दोनों बच्चों को बुलाता है और दोनों बच्चों को बुला के वो क्या करता है कि बताना चाहता है कि यार मेरे पास खजाना है और ये खजाना मैंने कहीं तो रखा है समझ में आ रहा है थेडस और पार्थो ये दोनों बच्चों में जो थेडस है ये बहुत अच्छा बच्चा रहता है और ये बुरा बच्चा रहता है ये भारतोलो अब ये जैसे ही बताता है तो उसको पता चलता है कि जब ये बताता है खिड़की में कोई तो जो बंदा है मुझे देख रहा था और वो जोनाथन स्मॉल जो है वो जेल से छूट के भाग गया था इसकी खोज में वो इसको देखते रहता इसको देखते रहता है और इसे पता चल जाता है कि वो लकड़ी के पैर वाला नकली पैर वाला आ गया है ओके okay. और बाद में क्या होता है कि जब ये खजाना बता देता ये जो है ये ये जो है है खजाने को को लेके भाग जाता खजाना नहीं देता अब ये जब चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है उसके बाद इसकी भी मौत हो जाती है इसकी भी मौत क्योंकि ये जो तोंगा रहता है कौन जिसने मदद की थी किसकी जोनाथन स्मॉल की जेल से निकल के भागने में ये इसको समझता नहीं है कोई भाषा तो उसको बताता भाई इसको मार दे तो ये जहरीली तीर से इसको मार देता है जहरीली तीर से मर जाता है मर गया ये अब इसके बच्चों को पता चल गया हमारे पास खजाना है अब ये जो बच्चे रहते हैं इसमें से क्या होता है कि जो बारतोलो खजाना लेके भाग जाता है अब ये परेशान हो जाता है की खजाना कहाँ गया बारतोलो लेके भाग गया अब इसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर जो ये ये भी था आर्थर इसकी कहानी पे आते हैं मॉन्स्टर इसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम है मेरी मोहस्टर मेरी मोहस्टर क्या नाम है मेरी एक लड़की है जिसका नाम है मेरी इस मेरी को ना हर महीने में एक जैसे कोई ना कोई खजाने का एक छोटा सा रिंग हो गया मोती हो गया आते रहता है उसके पास गिफ्ट फिर वो सोचती है यार ये खजा कोई रिंग विंग कोई मुझे भेज रहा है क्यों भेज रहा है पता नहीं अभी ये सारी स्टोरी हो चुकी है मेरी जो है इसकी बेटी है एक दिन उसको लेटर भेजता है कौन थे तुम जहां कहीं भी हो चले आओ तुम्हारे पिताजी से रिलेटेड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है लेकिन जब भी आना तो तुम दो जन को लेके भी आ सकती हो तुम्हें ना हो तो ये ये जो मेरी होती है ये होम्स के पास जाती है जो जासूस रहता है शेरलॉक होम्स और मदद मांगती है शेरलॉक होम्स का एक दोस्त होता है जॉन वॉटसन जो जॉन वॉटसन है उसका रूम पार्टनर भी रहता है दोस्त भी रहता है थोड़ा सा इमोशनल रहता है और ये जो मेरी है जो जॉन वॉटसन है एक दूसरा कैरेक्टर है जॉन उसको जाके मिलती है और वो शेरलॉक का दोस्त रहता है शेरलॉक होम्स बहुत बड़ा जासूस जासूसी कैरेक्टर है आपको पता है तो अब होता क्या है कि ये मेरी जेम्स को जाके मिलती है कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है मेरे पिताजी गायब हो गए इनके पिताजी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता और मुझे कुछ रिंग विंग आ रही है लेटर आया हुआ है ये जो लेटर आया हुआ है उसमें मुझे बोला गया कि तुम्हारे पिताजी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात है और क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे तो ये जो शेरलोक होम सबसे बड़ा डिटेक्टिव है, है वो अपने दोस्त जॉन के साथ इस मेरी जो लड़की थी मेरी मोन्स्टन इसकी बेटी उसके साथ चला जाता है ये यहाँ पर इंग्लैंड में के पास थेडस अब जो थेडस है थेडस देखो यहाँ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का हो सकता है लपड़ा थेडस है थेडियस की स्पेलिंग क्या है डबल डी ई एस है ये जो थेडस है ओके okay, थेडस ये क्या करता है कि इस मेरी को मिलता है और सारी बातें बताता है कि तुम्हारे जो पिताजी थे उसको मेरे पिताजी ने धोखा दे दिया और हार्ट अटैक आ गया और मेरे पिताजी यानी ये जो शॉल्टो है उसने उसे वहीं दफना दिया था ताकि किसको पता ना चले तो वो बड़ी परेशान हो जाती है फिर वो बताता है कि जो खजाने की वजह से हुआ था खजाना मेरा भाई लेके गया है चलो उसको ढूंढते हैं तो ये जो मेरी नाम की कैरेक्टर होती है और ये जो थेडियोस वो, वो भी मर जाता है अब खजाना कहा है पता नहीं अब खजाना कहा है पता नहीं अब मर्डर हो जाता है उसका भी मर्डर ये जो तो करके इसने किया रहता है तो यहां तक ये स्टोरी चली अब क्या करते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है यहां पर कौन शेरलॉक होम्स अब उसको जासूसी का ये ये देखो होम्स के बारे में आ गए अब जो हमारा जासूस है शेरलॉक होम्स ये जासूसी करता है अब ये क्या करता है कि मैरी को बोलता है तुम जहां रहती हो उसके बाजू में जो एक कुत्ता है एक जो डॉग रहता है ओके एक जो कुत्ता है उस कुत्ते को यस एक कुत्ता जो होता है उस कुत्ते का भी मेन रोल है उसको बुलाया जाता है और जहां पर ये जो दूसरा कैरेक्टर मरा रहता है कौन सा दूसरा कैरेक्टर अभी हमने मारा था जिसको जो भी बारथोल होता उसका भाई था तो उस, उसके नजदीक की चीजें हैं कुत्ता जाके जो है बराबर से पहचान लेता है कि वो कौन था ओके अब कौन था मतलब उनको वहां पे पता चलता है कि ये जो है यही जो है, जो है जोनाथन ये स्मॉल था और इसने तो की हेल्प किया तो की भी मौत हो जाती तोंगा वो जो इसको जेल से छुड़वाने में मदद किया था तो इसकी मौत हो जाती है ओके okay. और ये जो, जो जोनासन स्मॉल है अब इसको पता चल जाता है कि शेरलॉक होम्स को पता चल गया इसको पता चल जाता है कि शेरलॉक होम को पता चल गया मेरा बच्चों ये इसको पता चल जाता है कि शेरलॉक होम को पता चल गया कि मैं हूं फिर वो खजाना लेके भागता है और क्योंकि उसने जो है उसको मार दिया था उसके भाई को खजाना लेके भागता है और फाइनली वो खजाना जो है बचने के लिए यहाँ पर समुन्दर में फेंक देता है वो समुंदर में खजाना फेंक देता है और वो जो खजाना है वो खजाना जो है किसी को न तुला न मला पुत्र अला समझ में आ रहा किसी को नहीं मिलता इस तरह से ये एक बहुत सस्पेंस भरी कहानी है ओके okay, जो लास्ट वाली स्टोरी है यहां पर आप देखेंगे द साइन ऑफ फोर चैप्टर का नाम द साइन ऑफ फोर क्यों है क्योंकि यहां पर जैसे मैंने बताया कि आगरा से चार लोगों ने मिलकर चोरी की थी तो ये ये हो गया ठीक है अब यहां पर यहां पर मैसेज का लिंक तैयार है चैट में डाला आपने मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था ना पे डालें पे तो डिस्क्रिप्शन में जो एडवोकेट अफरीन अंसारी मैडम के ये चारों नोवेल से रिलेटेड वीडियो मिनट के है, छोटे छोटे वीडियो एनिमेटेड फॉर्म में उसको एक बार आप जरूर देख लें मैंने आपको वर्बल फॉर्म में बताया उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एनिमेटेड जो ये एनिमेशन से उनके ही हैं बहुत अच्छे से और यहाँ पर एडवोकेट अंसारी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा कि आपकी वजह से मैं मैथ्स टीचर होकर इंग्लिश को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाया आपके पेड़ अगर आप मेरी बात सुने आपको बहुत बहुत धन्यवाद ओके okay, तो आपका जो चैनल है मैंने यहाँ रिकमेंड किया है बच्चों को बच्चों जरूर जाके वहां देखिए ओके okay, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी यहां पर आप क्वेश्चन की बात करते हैं अब बात करते हैं क्वेश्चन की ठीक है तो मैंने अभी यहाँ पर जो भी आपको समझा है बच्चो आ जाओ फटाफट आ जाओ मैंने जो भी समझाया क्वेश्चन कैसे आएंगे वो इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन की बात करते देखो एक मिनट क्वेश्चन हर एक के अंदर से जैसे मैंने बताया फोर पॉइंट दो आएंगे दो दो मार्क मार्क के चार हो गए अब यहां पर आपको क्या करना है कि मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं okay, जो हमारी आशीष सर की वेबसाइट है ना उसी वेबसाइट पर हमने नोवल का पीडीएफ डाला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन है जो आ सकते हैं पूछे जा रहे हैं तो उसका सोल्यूशन है एक बार आपको देखना है दो दो मार्क के लिए 4.2 से दो क्वेश्चन आएंगे दो-दो मार्क के तो ये जो है फाइव वे फाइव बी ये फाइव वे है फाइव बी 4.2 से जो आएगा वहां पर आपको देखो जो थीम है हर नोवेल का थीम आप अच्छे से तैयार कर लो ओके okay. और जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में याद करो या तो थीम एक्सप्लेन करने आएगा या कैरेक्टर दो ही क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब करो एक्सप्लेन करो ऐसा करके लिखा रहेगा डिस्क्राइब एक्सप्लेन इंटरप्रेट

ये जो सीक्वेंस है उसमें से आपको बताना है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ था ए बी सी डी में से समझो सी पहले हुआ था तो सी वाली लाइन पहले लिखेंगे जो तीन नॉवल की स्टोरी है 4 4 4 .4, तो कि 4 4 .4, ये इसकी स्टोरी मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की वो स्टोरी को आप अच्छे समझ लो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जो तीनों स्टोरी है उसका छोटा छोटा एनिमेटेड वीडियो है मूवी के फॉर्म में देख लो ओके एडवोकेट अंसारी मैडम का बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया वो वो देख लो आपको वो समझ में आएगा वहां पे उन्होंने ये भी बताया कि थीम क्या है। जैसे मैंने आपको एक थीम का बताया तो सबके थीम उधर से याद कर लो ठीक है तो ये नोवेल का सेक्शन है मैंने कोशिश की आपको मेरे लेवल तक मैथ्स टीचर होके भी आपको दो दिन से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ देखा नहीं जाता बच्चों का जो ये टेंशन है मैं कोशिश करूंगा आगे चल के हिंदी वाले बच्चों को हिंदी बताऊं कोशिश करूंगा मराठी में भी अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊ आपको आगे चल के तो बच्चों काफी देर से मैं लाई हूँ दो घंटे ढाई घंटे हो गए कंटिन्यू बोले जा रहा हूं आप लोग भी बने हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार इतनी बड़ी संख्या में आप आए नोवल के लिए आप अभी क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं बेटा पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में है ओके okay. मैंने अभी ओपन करके बताया था आशीष सर वेबसाइट जो लोग लेट आए यहां पर देखो ये है ये जो है इसका लिंक है आशीष सर एजुकेशन डॉट कॉम यहां पर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा ओके सारा इस वेबसाइट पर ओके और स्पेशली भी देखो ये नोवल है सोलह मार्क दिख रहा है आपको नोवल यस इसके अंदर सारे पीडीएफ है क्वेश्चन और एंसर के साथ है आपको एंसर ढूंढना नहीं है पूरा काम आप हमने आसान किया मैंने स्टोरी समझा दी सारी और अच्छे से कोशिश की नरेट करने की मैं आफरीन मैडम का जो है चार वीडियो भी दे रहा हूं उसका लिंक वो देख लो छोटे दे छोटे वीडियो ये जो है यहां से डाउनलोड कर लेना ये है आशीष सर एजुकेशन डॉट कॉम डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट डाली है क्लिक करोगे तो आ जाएगा नॉर्मल सेक्शन में आओ सोलह मार्क के लिए हमने पीडीएफ दिया है इस पीडीएफ में क्वेश्चन है चारों के हिस्ट्री वाले के ऑब्जेक्टिव है पहले वाले के तीसरे के वो कर लो क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन है एक बार देख के जाओ और अगर समझो कि आप एग्जाम में बैठे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नोवेल में क्या करना चाहिए ना रिलेटेड लिख देना मार्क्स मिलेगा पूरा नहीं मिलेगा थोड़ा तो मिलेगा कुछ तो मिलेगा ना से जीरो से अच्छा दो एक दो आधा आधा करके एक एक दो दो करके भी सोलह में से पांच छह सात आठ तो खींचना कोशिश तो करना ठीक है तो यहीं पर इस लेक्चर को खत्म करना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आप अभी तक हैं और पछतावा नहीं होना चाहिए रिजल्ट के दिन थोड़ा सा और था, तो मेरे और मार्क्स नहीं आता ओके एग्रीगेट इंग्लिश और हिंदी आप लोग करते हैं लेकिन जो हिंदी की वजह से एग्रीगेट जो है सोसाइटी के लोग पूछते कितनी टक्के पढ़ ले तुला? मला पीसीएम लाईव्ह आहे अरे ते सोड एट गेला तो याद रखना है समझ रहे हो तो एग्रीगेट भी बढ़ाने की कोशिश करो जितना जो करो अच्छे से करो पूरी करीजा लगा और आप बिलकुल मत आप बिलकुल सुबह सुबे घर से निकलते तुम्ही बाप का आशीर्वाद लेके निकलना पाया पडून निघा घरातून देवाचे दर्शन करा पाया पडा देवाचे अँड फुल कॉन्फिडेंट होऊन जा घाबरायचं नाही तिथे जाऊन कोणीही काही म्हटलं तरी ऐसे पेपर जाना मी तुम्हाला वचन देतो यार इजी पेपर देते बाहर पढ़ लिया भाई तू एग्जाम हॉल से बाहर निकलेगा ना इतना खुश हो जाएगा ना बेटा यार सच बोल रहा हूँ तू बोलेगा दिनेश सर कल बोले तो खाली तू एक ही एम करके जा मई लिखेगा मैं लिखेगा मई छोड़ेगा नहीं मई लिखेगा और लिख के आना बेटा जितना होता है उतना लिखना समझ में आ रहा है समझ में आ रहा बेटा चलो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद एंड एक छोटे से टीचर को इतना ज्यादा ज्यादा इतना जादा देने के के लिए पूरे महाराष्ट्र में यार आप आप सभी को झुक नमन है इसी तरह से लोग की सेवा करते रहूंगा और आने वाले दिनों में भी रुकेंगे नहीं झुकेंगे नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे नहीं, नहीं। महाराष्ट्र के सभी बच्चों को आने वाले भी सारे आपके छोटे भाई बहनों को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएंगे महाराष्ट्र आज बहुत बड़ी मुसीबत से झेल रहा है पॉलिटिक्स में इतने मंत्री लोग हैं सब लोग भ्रष्टाचार करके बैठे हैं हमारी चर्चा होती है यार महाराष्ट्र के मंत्री लोग क्या कर रहे हैं यार महाराष्ट्र के यूथ का जो जॉब है वो नहीं है एजुकेशन नहीं है परीक्षा घोटाला हो रहा है सब लोग करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं कोई एग्जाम नहीं हो रही है भर्ती नहीं हो रही है नौकरी की बच्चों की एग्जाम से रिलेटेड बच्चों की जॉब से रिलेटेड कुछ नहीं हो रहा है तो आने वाले दिनों में बहुत लपड़ा हो रहा है यार मैं इतने प्रॉब्लम देख रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूँ इसको क्या मैं रोक सकता हूँ मेरे दोस्तों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ये मिनिस्टर जो है इतनी तरह से करप्शन कर रहे हैं सब एक दूसरे को सिर्फ करप्शन के उजागर करने में निकले कोई भी नया विकास का काम करने नहीं चल रहा है कि कुछ हो जाए बच्चों के लिए हो जाए जॉब के लिए हो जाए बच्चों का फ्यूचर कैसे सेट होगा बच्चे कैसे आर्थिक तरीके से आगे जाएंगे आगे बहुत तकलीफ हो रही है होने वाली है और इसको ओवरकम करने के लिए हम सभी लोग मिलकर कुछ तो नया करेंगे आपके लिए इसी दो शब्दों के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आने वाले एग्जाम के भी आपके साथ में आऊंगा आप डरना मत यार, डरना मत फुल कॉन्फिडेंट होकर जाना यस मैं करूंगा मई करूंगा मैं लड़ूंगा और तू जब एग्जाम हॉल के बाहर आएगा तो तू ही जो शेर निकल के आएगा और तेरा कॉन्फिडेंस और दुगना हो जाएगा एग्जाम कल शुरू होगी शुरू होते ही खत्म हो जाएगी लास्ट पेपर के दिन तू बोलेगा यार एग्जाम शुरू होते ही खत्म हो गए ऑल द बेस्ट एंड बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से मम्मी पापा के प्यार पढ़ के जरूर जाना आपका दिन जो है बहुत अच्छा जाएगा सो बाय एवरी टेक केयर सेशन को यही फिनिश करते हैं